हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम मिल रहे हैं करंट अफेयर सीरीज़ के लिए। सो इस हफ्ते के जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन। एंड सी द होल मार्च वॉज फैब एंड मार्च वॉज यू आर ऑल वर फोकस्ड टूवर यूक्रेन रशिया वॉर। सिर्फ इतना ही नहीं है, बाकी बहुत कुछ हुआ है। सो आसपास क्या क्या चल रहा है वी आर गोइंग टू सी दैट। सो वट एवर द इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर ऑफ दिस वीक वी आर गोइंग टू कवर वन बाय वन। नाउ मोटिवेशन फॉर यू, basically when it has been seen the movie Maji movie, it has been taught to UPSC student one thing that if you have targeted one thing, aapne kuch socha hai ki ye hasil karna hai, to matlab jab tak todege nahi tab tak chhodege nahi, bada hi dangal chalne wala hai hamra UPSC ke sath, theek hai। so ye anthem ke sath UPSC के साथ अंदर कूद चुके हो। सो वेन अनटिल एंड अनलेस आप जब तक क्लियर नहीं कर रहे हो, टूट पड़ो, अच्छे से फोकस माइंडेड पढ़ो और टारगेट करो। सी इट इज़ ऑलवेज बीन सेड वन थिंग इज स्मार्ट स्टडी। सो यू शुड डूइंग अ स्मार्ट स्टडिंग रेदर देन अ लेबर स्टडी। इट्स बेटर टू डू स्मार्ट स्टडी। नाउ देखते हैं मेजर इम्पॉर्टेंट एक से एक जो भी इस हफ्ते के अंदर है करंट अफेयर। सबसे पहले अगर हम देखें कर्नाटका हाई कोर्ट हिजाब जजमेंट, ठीक है। सो फाइनली कर्नाटका हाई कोर्ट का हिजाब जजमेंट आ चुका है। क्या है ये जजमेंट, बड़ी बारीकियों से हम एक एक चीज़ उसके अंदर देखने वाले हैं एंड वी विल अंडरस्टैंड दैट हाउ इट इज़ गोइंग टू बी इफेक्टिव। देन दूसरा है हु इज़ अ वॉर क्रिमिनल। ये वॉर क्रिमिनल वर्ड क्या है, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट। इंडिया एंड श्रीलंका के रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हीट वेव, ब्लॉकचेन गेमिंग इन इंडिया, वन रैंक वन पेंशन, मैनुअल स्कैवेंजिंग, वुमेन शेयर इन इंडियन जुडिशरी, माहिनी स्कीम, प्रिविलेज मोशन एंड प्रीलिम्स सीरीज। सो बात करते हैं सबसे पहले कर्नाटका हिजाब कोर्ट के जजमेंट, हिजाब के लिए क्या कोर्ट का जजमेंट आया है उसे समझते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड में चले जाते हैं। इट वॉज अ टाइम जब गवर्नमेंट PU कॉलेजेस, सी PU कॉलेजेस इज हैविंग वन मीनिंग ओवर हियर। सी गवर्नमेंट PU कॉलेजेस क्या है, बेसिकली हमारे यहाँ 10+ जो 2 होते हैं उसको ये लोग बोलते हैं प्राइमरी कॉलेजेस, ठीक है। सो बेसिकली ये वो कॉलेजेस 12th बच्चे 11th 12th के बच्चों की को कॉलेज बोलते हैं। वहाँ पे ये कंट्रोवर्सी शुरू होती है जहाँ पे लड़कियों को आने के लिए एंटर करने के लिए मना कर दिया जाता है, दोज हु आर वेयरिंग हिजाब। सो दे वेंट टू द हाई कोर्ट, मेजर फेमस हम उसे सुनते हैं हिजाब जजमेंट, बट द नेम वॉज रेशमा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये जजमेंट है जिसके बेसिस पे कर्नाटका हाई कोर्ट ने फाइनली अपना बताया है। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड क्या है ये पूरा मांजरा एक एक करके और क्या हाई कोर्ट ने बताया। सी टाइम लाइन देख लीजिए, 2021 मुस्लिम स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट PU कॉलेज फॉर गर्ल्स उडुपी सीक नॉट टू वेयर हिजाब इन क्लासेज, आप क्लास में हिजाब नहीं पहन सकते हो ये बता दिया था। जनवरी ये बाकी हर एक जगह पे स्प्रेड होने लगा एंड फाइनली कर्नाटका गवर्नमेंट ने 5 फेब को एक जारी किया था ऑर्डर, ठीक है। अब उसी ऑर्डर के बेसिस के बाद फाइनली 4 गर्ल्स ने पटिशन फाइल किया है और एक 3 जजेस की जज बैठी हुई थी। पहले एक ही जज थे, जस्टिस कृष्ण दीक्षित, ठीक है। उन्होंने बोला कि ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है मैटर, सो वी हैव टू कंसिडर बिग पैनल ओवर हियर। सो 3 कॉन्स्टिट्यूशनल की एक बड़ी सी जजमेंट बैठने की कोशिश की थी, 3 जज कमिटी ओवर हियर। सो CJI थे हाई कोर्ट के, देन अगेन कृष्णा दीक्षित थे और एक और जज थे, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड, दिस जजमेंट वेंट एंड फाइनली 15 मार्च को हम जो देख रहे हैं अभी हम पढ़ने वाले, फाइनली हाई कोर्ट ने उसके ऊपर बताया। तो क्या है क्या नहीं हम वो समझने की कोशिश करते हैं। नाउ ये आपका आता है पॉलिटी के अंदर एंड डायमेंशन दस के अंदर हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हाई कोर्ट का क्या जजमेंट है, व्हाट हाई कोर्ट हैज गिवन द जजमेंट, क्या पैरामीटर्स उसको उन्होंने कंसिडर किए हैं, हाउ इज रिलीजियस फ्रीडम प्रोटेक्टेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 25 क्या कह रहा है, कर्नाटका हाई कोर्ट ने उसके लिए क्या बोला है, व्हाट इज द एसेंशियल जो टेस्ट, फाइनली रिलीजन एसेंशियल की जो बात कर रहे क्या है वो, ठीक है। एंड फाइनली ये जो हिजाब के ऊपर आया है कितना फार इफेक्ट होने वाला है, क्या नहीं, क्या कोर्ट ने मिस किया है, हम वो एक एक डायमेंशन को समझने की कोशिश करेंगे। नाउ
सो यू कैन सी ओवर हियर सी द सादी हेड गियर्स जो मुस्लिम विमेंस विल्स पहनती है बेसिकली अलग अलग नाम है शायला हिजाब हिजाब अमीरा खीमार चादर निकाब एंड बुरखा सो दिस आर द टाइप ये है हिजाब जिसके ऊपर बात चल रही है ठीक है ना हाईकोर्ट ने बोला है हाईकोर्ट ने मेजरली इस सारे आर्ग्यूमेंट्स के अंदर ये बोला गया है नंबर वन कि हमने उन्होंने बोला कि पहले तो जो जस्टिस कृष्णा थे ठीक है उन्होंने बोला कि ये हम अकेले नहीं करेंगे हम बनाते हैं तीन मेंबर की कमिटी सो सीजीआई है खुद देन अगेन कृष्णा एंड एफएम खान मतलब फैजल खान करके एक जज है वो भी उसी के अंदर बैठे हुए हैं जो थ्री जजेस की टोटल कमिटी थी अब ये कमिटी का काम था इसके हर एक एस्पेक्ट्स को देखना नाउ व्हाट हैपेंड ओवर हियर अगर हम देखते हैं क्या बात चल रही इधर तो सबसे पहले हाईकोर्ट ने ये उठाया कि हमने ये जो भी आर्ग्यूमेंट्स है जो पेटिशनर है उन्होंने बोला कि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है आर्टिकल 25 के अंदर बोला है एसेंशियल रिलीजन प्रैक्टिसेस तो हिजाब पहनना हमारा एसेंशियल रिलीजन प्रैक्टिसेस के अंदर है ये पहली चीज यहाँ पे पेटिशनर के द्वारा बोली गई है दूसरी चीज पेटिशनर के द्वारा ये बोली गई है कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है सो आर्टिकल 21 उसकी बात भी बता दी गई है कि इट इज ऑन इंडिविजुअल और आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो हमें नहीं यूनिफॉर्म पहनना हमें ये पहनना है ये हमारा फंडामेंटल राइट है इंडिविजुअल बेसिस में और ये चीज़ नहीं ले सकते ठीक है तो इसके द्वारा पेटिशंस फाइल की गई है और सामने जो गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने क्या पेटिशन इसके अगेंस्ट फाइल की है वो एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं हाईकोर्ट के द्वारा मेजरली ये पूरा जजमेंट एक चार क्वेश्चन की तरफ गिर रहा है अब ये चार क्वेश्चन क्या है सबसे पहले हाईकोर्ट से कि हम ये देखेंगे एसेंशियल है या नहीं ठीक है क्या देखेंगे एसेंशियल रिलीजन प्रैक्टिस है या नहीं दिस हिजाब वेयरिंग इज इन एसेंशियल प्रैक्टिस इन मुस्लिम और नॉट ये हम देखेंगे दूसरा सो ये आर्टिकल 25 के अंदर डायरेक्ट की बात चल रही है दूसरा बोला कि आपने बोला कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जो है आप ये बोल रहे हो कि आपका है और ये जो ऑर्डर आया हुआ है वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है सो आर्टिकल 19 और 21 के एस्पेक्ट भी हम देखेंगे इस केस के लिए थर्ड जो इसके अंदर बताया गया है कि ये बोला गया है पेटिशनर के जो सरकार ने 5 फरवरी को जो ऑर्डर जारी किया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सो वो 5 फरवरी का जो ऑर्डर है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं वो भी हम बताएंगे और चौथा जो अथॉरिटीज़ हैं जिन्होंने मना कर दिया एंटर होने के लिए उनके ऊपर क्या एक्शन ली जाएगी या नहीं तो ये क्वेश्चन के आसपास हाईकोर्ट ने अपने वर्डिक्स दिए ठीक है अब समझने की कोशिश करो यहाँ पे बहुत शांति से समझने की इधर कोशिश करो कि हाउ दी हाईकोर्ट स्टार्टेड दी जजमेंट ओवर हियर सबसे पहले उन्होंने बोला दैट आर कंट्री एंड आर कॉन्स्टिट्यूशन इज वॉट सेक्युलर देखो समझो यहाँ पे सबसे पहले हाईकोर्ट ने क्या बोला कि ये समझ लो कि हम लोग सेक्युलर कंट्री है दो 42 अमेंडमेंट के अंदर ये सेक्युलर वर्ड डाला गया था संविधान के अंदर बट दैट डजंट मीन कि हम सेक्युलर थे नहीं पहले हम थे अगर आप देखो तो आर्टिकल 25 से लेके 29 एंड 30 ये क्या दर्शाता है कि इंडिया में फ्रीडम रिलीजन है ठीक है तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है तो सेक्युलर वर्ड नहीं होता इसका मतलब ये नहीं कि हम अनसेक्युलर है इवन फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर भी क्या बताया गया है दैट ब्रदरहुड हारमनी ये सब मेंटेन करना है सो व्हाट इट शोज अ सेक्युलर कंट्री साइंटिफिक टेम्परामेंट के ऊपर होना चाहिए अगेन सो इसी बेसिस पे सेक्युलरिज्म के ऊपर दे स्टार्टेड के इंडिया इज अ कंट्री जहाँ पे सेक्युलरिज्म है हमारा संविधान उसके ऊपर है ये हाईकोर्ट ने इससे शुरुआत की उन्होंने ये भी चीज़ बताया कि हमारा वेस्टर्न कंट्री से सेक्युलरिज्म अलग है ठीक है वहाँ पे अलग होता है यहाँ पे दोनों का इंटरेक्शन होता है ना उसके बाद हाईकोर्ट कहाँ जाते हैं यू विल सी ओवर हियर आचार्य जगदीश वर्धन अवध्युत अब ये बात चलती है यहाँ पे एसेंशियल प्रैक्टिस के ऊपर जी ये बहुत समझने की बात है यहाँ पे कि पहले व्हाट हाईकोर्ट सेड दैट वी आर सेक्युलर कंट्री ठीक है नाउ सेकेंड दे सेड
अब हम बात करते हैं एसेंशियल रिलीजन की, ठीक है, कि ये प्रैक्टिस एसेंशियल है या नहीं रिलीजन के अंदर, वो समझने की बात करते हैं। जो आर्टिकल 25 की दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये लेकर आया था एसेंशियल टेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है, तो इसमें देखने की कोशिश की। तो एक ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का आचार्य अवधूत का जो केस था उसमें ये बताया गया दैट अगर कोई भी स्क्रिप्चर, रिलीजियस स्क्रिप्चर के अंदर कुछ प्रैक्टिसेस लिखी गई है एंड वो आप फॉलो कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो आपको उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी, आप अपना रिलीजन का कुछ चीज़ मिस आउट कर रहे हो, उसके बिना कुछ होगा नहीं, सो वो रिलीजन प्रैक्टिस एसेंशियल है, ये इस केस के द्वारा बता दिया गया है। आचार्य जगदीश अवधूत केस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले ये चीज़ बहुत पहले बता दी गई थी। सो स्क्रिप्चर्स वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के अंदर, उसके अंदर लिखा होता है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा यंग लॉयर केस था, ठीक है, जो हमने देखा सबरीमाला के टाइम पे, वहाँ पे उसके लिए और डिटेल डिस्क्रिप्शन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा प्रैक्टिस जो शुरुआत से ही रिलीजन जैसे ही बना, उसके शुरुआत से ही हो रहा है, टाइम इमेमोरियल है, उसको आप उसको कुछ चेंज नहीं आया है ना, उसको बाद में रिलीजन बनने के बाद में उसको ऐड किया, ठीक है, तो वो जो प्रैक्टिस है जो शुरुआत से, दैट इज़ द एसेंशियल प्रैक्टिस। दूसरी चीज़ उन्होंने बोली कि जब रिलीजन बना तो ये प्रैक्टिस उसके साथ को फाउंडेड ही हुई थी, तो वो एसेंशियल प्रैक्टिस है। तीसरा उन्होंने बोला कि अगर ऐसी कोई प्रैक्टिस जिसे हमने हटा दी तो जो रिलीजन का मतलब था वही चेंज हो जाएगा, तो उसे बोलते हैं एसेंशियल प्रैक्टिस, कि इसे हटाने से वो रिलीजन का मतलब एसेंस ही नहीं रहेगा, उसे बोलते हैं एसेंशियल प्रैक्टिस। चौथा उन्होंने बोला, देखो कितने बड़े बड़े डायमेंशन समझाने की उसके अंदर कोशिश की है, चौथा उन्होंने बोला दैट अगर स्क्रिप्चर्स के अंदर लिखा गया है, जब ओरिजिनल जो स्क्रिप्चर्स है नॉट कमेंटरी, उसके अंदर मेंशन किया है कि अगर आपने ये नहीं किया तो आपको भगवान से पाप मिलेगा, ये होगा, पेनल्टीज होगी, तो उसे बोलते हैं एसेंशियल प्रैक्टिसेस। सो दो जजमेंट के द्वारा क्या एसेंशियल प्रैक्टिसेस है उसे इन डिटेल समझाने की कोशिश की गई, ठीक है। उसके बाद इवन एक और जजमेंट था जिसमें ये बोला गया दैट दोज एसेंशियल प्रैक्टिसेस अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के खिलाफ है, ठीक है, दैट मीन्स इक्वालिटी, जस्टिस, ये सारी चीज़ों के खिलाफ ऐसे एसेंशियल प्रैक्टिसेस, तो वो हटा दिए जाएंगे ऑन दैट ग्राउंड, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन से एक्सट्रीम वैसे प्रैक्टिसेस नहीं होने चाहिए, इसे बोलते हैं इंडिया का सेकुलरिज्म, और ये एसेंशियल प्रैक्टिसेस की उन्होंने पहले समझाया कि किसे बोलते हैं एसेंशियल प्रैक्टिसेस, उन्होंने प्रीवियस जजमेंट के आस्पेक्ट्स बताए, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने बताया सेकुलरिज्म है, ठीक है, हमारी कंट्री। दूसरा उन्होंने बताया कि ये आस्पेक्ट्स प्रीवियस जजेस में है। अब हम बात करते हैं एसेंशियल रिलीजन प्रैक्टिसेस के अंदर मुस्लिम कम्युनिटीज आर फॉलोइंग व्हाट लिटरेचर्स, ठीक है। तो अगर हम देखें तो सबसे मेजर सोर्स है कुरान, इजमा, कियास एंड हादिथ। ये सुमा का मतलब है हादिथ, ठीक है, तो हादिथ जो लिखते जाते दैट आर ये जो मेजर है, ये सबसे पहले, ये नीचे के है दे आर आफ्टरवर्ड्स कमेंट्रीज, तो उसको समझाने के लिए जो कमेंट्रीज बाद में जिन्होंने ऐड किए वो बात की है, ठीक है। सो एक और इसके अंदर चीज़ आई थी, एक फेस ट्रीटीज़ बताती है, उन्होंने ये बताया, एक बहुत बड़े है जिन्होंने कोट किया है कि कुरान इज़ द फर्स्ट सोर्स फॉर द इस्लाम रिलीजन, ठीक है, तो वही है सबसे पहला सोर्स। उस स्क्रिप्चर्स के अंदर क्या लिखा है हम वो देखने की कोशिश करते, ये बाकी जो कुरान में नहीं मेंशन उसको इधर एज अ सपोर्टेटिव डॉक्यूमेंट्स मेंशन यहाँ पे किया गया है, तो ये बाद में लिखा गया है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो ये समझाया, दूसरा उन्होंने बताया कि कुरान के अंदर क्या लिखा है, तो यू कैन सी ओवर हियर दैट कुरान के अंदर लिखा गया है लेट देयर बी नो कंपल्शन इन रिलीजन, मतलब देयर शुड बी नो कंपल्शन इन द रिलीजन। तो बहुत बड़े फेमस अब्दुल्ला यूसुफ अली वो समझाने की कोशिश करते हैं दैट कंपल्शन इज इनकम्पैटिबल विद रिलीजन बिकॉज रिलीजन डिपेंड अपॉन फेथ एंड विल एंड दिस वुड मीनिंगलेस इफ इंड्यूस्ड बाय फोर्स। ये सिंपल कहने की बात कर रहे हैं कि अगर कोई जोर जबरदस्ती से हो रहा है तो वो रिलीजन ही नहीं होता, उसका कोई मेजर एसेंशियल वो प्रैक्टिस ही नहीं कहलाएगा। सो खुद की मन की शक्ति से, ठीक है, अपने विल से जो चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं वो ही मेजर रिलीजन एसेंशियल प्रैक्टिसेस है, ये बताने की यहाँ पे कोशिश की है, लेट देयर बी नो कंपल्शन इन द रिलीजन, ठीक है। नाउ बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं सूरास,
ठीक है, सुराज की एक कमेंटेटरी है कुछ चैप्टर 150 के अराउंड, ठीक है, उसमें बताया गया है, ये हदीस में लिखा गया है, नॉट इन द कुरान बट इन हदीस, ठीक है, कुरान के अंदर कहीं भी हिजाब वर्ड मेंशन है ही नहीं, ठीक है, तो हदीस में बताया गया कि फीमेल उन्हें अपनी ब्यूटी एंड अपने गहने को प्रोटेक्ट करके रखना है, दे कैन ओनली शो इन फ्रंट ऑफ द सन और हस्बैंड, ठीक है, ये हदीस में मेंशन किया गया। नाउ बात करते हैं, उन्होंने बोला कि ये बाकी की कमेंटरीज में, बट एज सच द वर्ड इज नॉट मेंशन इन कुरान इटसेल्फ, ठीक है। हाँ, अगर हम हदीस की बात करें तो वहाँ लिखा है कि विल, उसी के थ्रू उन्होंने लिखा हिजाब, हिजाब पहनना है, ठीक है, कमेंट्रीज में लिखा है कि हिजाब पहनना है, पर उसके क्या डायमेंशंस लिखे हैं, ये किसके लिए पहनना है, स्पिरिचुअल के लिए, मॉरलिटी, स्पेक्चुअल, विजुअल, उस सब के लिए, मतलब हिजाब का मतलब यही नहीं है सिर्फ वो पर्दा कर्टेन, मतलब इनका ये कहना है कि हिजाब का मतलब ये है कि बुराइयों के सामने भी ढक देना अपने आप को, एक्सपोज ना होना, हर एक एस्पेक्ट के अंदर उस चीज़ को, वर्ड को यूज़ किया है कमेंट्री के अंदर, ठीक है। और ये बताया गया कि कुरान में कहीं ऐसे मेंशन नहीं है, ठीक है, अगर मेंशन होता तो ये लिखा होता, अगर ये नहीं पहना है तो आपको पनिशमेंट मिलेगी या ये मिलेगा, ये तो बाद के सोर्सेज में बताया, विद द टाइम जब सोसाइटी में कुछ ऐसा था कंडीशन तब हुआ होगा कि फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फीमेल कि ये पहना जाए, ठीक है, तो ये बाद में ऐड किया गया, वो क्या है, वो डायरेक्शन है, डायरेक्शन दिया गया कि ये करना है, कंपलसरी करना है ऐसा कहीं नहीं लिखा है, पेनल्टी मिलेगा ऐसा भी कहीं नहीं लिखा, दैट मीन्स हिजाब वेयरिंग इज व्हाट, इट्स अ कल्चरल प्रैक्टिस, नॉट रिलीजियस प्रैक्टिस, ये डिफरेंस है, ये क्या है, कल्चरल प्रैक्टिस है, ये रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, अगर रिलीजियस प्रैक्टिस होती तो वहाँ लिखा होता, अगर नहीं किए तो पाप मिलेगा, ये होगा रिलीजन के द्वारा ये किया जाएगा, ठीक है, बट यहाँ पे क्या दिया है, कमेंट्रीज के अंदर, कुरान में नहीं, कमेंट्रीज के अंदर डायरेक्शन दिया है कि उस टाइम पे जब वो सोसाइटी थी तो प्रोटेक्शन ऑफ फीमेल ये रखा, पर उसमें भी क्या लिखा गया, सिर्फ पर्दा हमें इससे पहनना नहीं है, हमें बुराइयों से भी दूर रहना है, उस चीज़ों से, मतलब बहुत बड़े एस्पेक्ट से हिजाब की बात की है उसके अंदर, ठीक है, तो उसी को चलते फाइनली हाई कोर्ट ने बताया दैट हिजाब वेयरिंग इज नॉट एन एसेंशियल प्रैक्टिस, इट्स अ कल्चर प्रैक्टिस, इट इज़ नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, अगर हिजाब नहीं पहनेंगे तो रिलीजन में कुछ बहुत बड़ा मेजर हार्म नहीं हो रहा, अगर ऐसा होता तो वो मेजर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस होती, ठीक है, ये पहली चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अरे हाई कोर्ट के द्वारा की गई है, जो आप देखो सबसे पहले दे सेड सेक्युलर, फिर उन्होंने एसेंशियल प्रैक्टिसेस क्या है एस्पेक्ट वो समझाने की कोशिश की प्रीवियस जजमेंट्स के, और उसी के अंदर हिजाब आता है या नहीं ये बताने की कोशिश की। ना बात करते हैं जो दूसरा क्वेश्चन था उठाया गया, फंडामेंटल राइट्स, यूनिफॉर्म पहनना हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, ठीक है, तो यहाँ पे हाई कोर्ट के द्वारा बताया जाता है किसी, हम अगर स्कूल की बात करते हैं तो वो स्कूल बिना टीचर्स, बिना पढ़ाई और बिना ड्रेस कोड की होती नहीं है, स्कूल का एसेंशियली ये तीनों से है, ये तीनों में से एक भी चीज़ नहीं रही तो स्कूल स्कूल ही नहीं कहलाएगी, ठीक है, तो आप जब बात कर रहे हो कि ये अगेंस्ट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यूनिफॉर्म, तो स्कूल का मतलब है ये सारी चीज़ों को आना, ठीक है, अगर हम एंशियंट टाइम की बात करें तो वहाँ पे भी स्कूल्स होती थी, ठीक है, दैट वाज पाठशाला टाइप, गुरुशाला, तो वहाँ पे भी वस्त्र पहने जाते थे जो गुरुशाला में बताए गए होते हैं, तो ये तो बहुत पहले से चली आ रही प्रैक्टिसेस है, इन स्कूल का मतलब ही यही है, ठीक है। ना उन्होंने बोला दैट यहाँ पे क्या बोल रहे हो आप कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे तो क्या बोला, यूनिफॉर्म सबके लिए कॉमन है, स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई बड़ा कोई नीचा नहीं, कोई ये कास्ट का नहीं, कोई ये रिलीजन का नहीं, एवरीवन आर इक्वल, ठीक है, तो ये कंपल्शन ऑफ यूनिफॉर्म सभी के लिए, किसी एक के लिए नहीं, सो देर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन, सो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 19 है, कोई खराब चीज़ नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए वहाँ पे भी मना कर दिया। तीसरा जो है कि वो जो ऑर्डर गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था कि यहाँ पे जब ना अभी स्कूल कॉलेजेस के अंदर मना कर दिया है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो यहाँ बताने की कोशिश की है दैट ये ऑर्डर गवर्नमेंट ने
एजुकेशन एक्ट के द्वारा, जो कर्नाटका का एजुकेशन एक्ट है उस द्वारा दिया गया है, जहाँ पे क्लियर कट लिखा गया है उस एक्ट के अंदर दैट अगर चाहे तो गवर्नमेंट कोई कॉलेज कमेटी या खुद से भी ड्रेस कोड्स बता सकती है, ठीक है। तो ये उसी के थ्रू आया गया है, तो ये कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था वो ऑर्डर। चौथा, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो अथॉरिटीज़ उन्होंने मना कर दिया उनके ऊपर एक्शन लिया जाए, तो यहाँ पे बोला कि वो ऊपर से आया हुआ था, तो दे आर नॉट द एक्चुअल पर्सन, ठीक है। तो ये सारी बातें ये कुछ काम की नहीं है। मेजर आपका केस इधर था और यहाँ पे क्लियर कट बता दिया है स्कूल किसे कहते हैं और ये क्या है, ठीक है। सो उसी वक्त जब जजमेंट आया तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ और शाम को ही सुप्रीम कोर्ट में एक PIL भी फाइल कर दी गई है, ठीक है। सो अब देखो क्या आता है सुप्रीम कोर्ट से। बट ये बहुत बड़ा आस्पेक्ट समझाने की हाई कोर्ट के द्वारा कोशिश की थी। सबसे पहले आप समझिए उन्होंने क्या है, सेक्युलर क्या है, हम सेक्युलर है वो बताया। दूसरा, एसेंशियल प्रैक्टिसेस प्रीवियस जजमेंट्स में क्या बताई गई है उसके ब्रॉडर एस्पेक्ट्स खोले। तीसरा, उसी के अंदर जो एसेंशियल प्रैक्टिसेस है, हिजाब है या नहीं, कुरान के सोर्सेज से बताने की कोशिश की कि ये कल्चर प्रैक्टिस है, इट इज़ नॉट रिलीजियस प्रैक्टिस। चौथा, उसी के अंदर जब बात हुई थी कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे स्कूल जो है वो स्कूल है, सभी के लिए यूनिफॉर्म है, ये बताने की वहाँ पे कोशिश की है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं हर एक एस्पेक्ट्स उन्होंने देखे इसके अंदर। बट वॉट मेजर हाई कोर्ट हैज फेल इन दिस जजमेंट, क्या उन्होंने फेल कर दिया। फर्स्ट थिंग, पहले भी बोल चुके दैट ये एसेंशियल प्रैक्टिस जो टेस्ट है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो खुद ही इतना क्यूबरसम है दैट इट इज़ नॉट अ करेक्ट वे। दूसरा, अगर आपको रिलीजियन आर्टिकल 25 के लिए अगर कुछ आपको ब्रॉडर एस्पेक्ट में इंटरवेंशन रखना है कि वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होगा, तो यू शुड कीप ऑन इक्वालिटी देन मॉरालिटी जस्टिस, उस बेसिस पे रखो, ये ऐसे वेग वर्ड्स के बेसिस पे क्यों रख रहे हो, ठीक है। तीसरा, अगर सेम कलर ऑफ यूनिफॉर्म के कलर का अगर हम हिजाब ऐड कर दे तो क्या कुछ दिक्कत हो जाएगी, सेम जो यूनिफॉर्म का कलर है। एडिशनल ऑन दैट मेजर जजमेंट था, क्या उसके ऊपर एडिशनल नहीं हो सकता, क्या यूनिफॉर्म का मतलब यही है कि कुछ नहीं पहना, क्या उसके ऊपर एडिशनल नहीं हो सकता, ये आस्पेक्ट को नहीं देखा गया है। सो लेट्स सी आगे क्या चल के सुप्रीम कोर्ट के अंदर आने वाला है। बट इट वॉज अ क्लियर कट जजमेंट ओवर हियर, व्हाट आर द ब्रॉडर एस्पेक्ट वो आपको समझने की जरूरी है। आगे हमने बताया कि क्या कॉन्ट्रोवर्सीज थी, क्या सब हुआ था, पब्लिक ऑर्डर क्या आया था एंड ऑल दैट। नाउ फाइनली जो जजमेंट था वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर समझा दिया है। नाउ आगे बढ़ते हैं। Who is a war criminal? कौन है वॉर क्रिमिनल, ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इधर आप देख सकते हो अभी मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। सो व्लादिमीर पुतिन कहाँ पे है, व्लादिमीर पुतिन उसके लिए ही जो है बिडन बात कर रहे हैं ना। बात करते हैं, बिडन साहब ने बोला है कि रशिया के जो व्लादिमीर पुतिन है वो एक वॉर क्रिमिनल है फॉर द अनफोल्डिंग ऑनस्लॉट ऑन यूक्रेन, जहाँ पे वो प्रेगनेंट वुमेन्स मैटर्निटी वार्ड हॉस्पिटल्स के ऊपर बॉम्बार्डिंग की गई है। सो ऐसी हरकतें एक वॉर क्रिमिनल ही करता है। सो मेजरली इस आर्टिकल का कहना है कि सिर्फ बोलने से कोई इंसान वॉर क्रिमिनल नहीं हो जाता, ये करने के लिए बहुत ज़्यादा एक एस्पेक्ट ऑफ चीज़ें चाहिए, तो हम वो समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। वॉर क्रिमिनल कौन है, कहाँ से ये वॉर क्रिमिनल चीज़ आई गई है, ठीक है, कौन से क्राइम को वॉर क्रिमिनल कहना जाता है, कौन इन्वेस्टिगेट कर सकता है, डिटरमाइन कर सकता है, और प्रीवियसली कोई प्रोसिक्यूट हुए हैं या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले इधर देखिए आप, ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है, ICC UN की पार्ट नहीं, हमेशा याद रखना। रोम स्टैचू के थ्रू ICC बना था 1998, 120 स्टेट ने ये रोम स्टैचू को लिया था, ठीक है। फाइनली इन 2002 ये रोम स्टैचू के वजह से 60 स्टेट से सर्टिफाइड ICC आ चुका था, हेग में बैठता है ICC, ठीक है। दो लैंग्वेजेस यूज होती है, इंग्लिश एंड फ्रेंच, एंड यू कैन सी ICC का ज्यूरिडिक्शन चार मेजर क्राइटेरियाज के अंदर है, दे आर क्राइम ऑफ जेनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स एंड क्राइम ऑफ अग्रेशन, ठीक है। सो सबसे पहला क्राइम ऑफ जेनोसाइड कि मास मल्टीपल किसी लोगों को एक्सोडस कर देना, ठीक है। दूसरा क्राइम ऑफ ह्यूमैनिटी मतलब आप सपोज वॉर चल रहा है, राइट,
और ये लोग हैं जिसके ऊपर आप नहीं कर सकते हो, पर आप उनको टॉर्चर कर रहे हो, जो प्रिजनर्स वॉर ऑफ है उनको टॉर्चर कर रहे हो, रे पेन वगैरह, एक्सट्रीम लेवल, दैट इज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी इट्सेल्फ, ठीक है। फिर यहाँ पे वॉर क्राइम्स की बात चल रही है, जब वॉर एक्चुअल इन कंडीशन पे है, ठीक है, तो आप उधर कहाँ कहाँ अटैक कर सकते हो, कहाँ कहाँ नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते हो वहाँ पे भी आप अटैक कर रहे हो, तो यू आर डूइंग वॉर क्राइम्स, ठीक है। देन क्राइम ऑफ अग्रेशन, कितना अग्रेशन दिखा रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा, बिना मतलब कुछ है नहीं, फिर भी यू आर शोइंग इट। सो ये चार क्राइटेरियाज उसके अंदर दिखाने की बात की है। नाउ इंडिया इज नॉट अ पार्टी टू द रोम स्टैच्यू अलॉन्ग विथ US एंड चाइना, ठीक है। सो ICC है जो ये वॉर क्राइम को देख सकता है, ठीक है। नाउ बात करते हैं वॉर क्राइम चीज आई कहाँ से। सो मेजरली वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो मेजर वर्ल्ड लीडर्स है उन्होंने अडॉप्ट किया था एक लॉ ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट, कि ये आर्म कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसके अंदर कैसे लॉ फॉलो करनी चाहिए। तो यू कैन सी ओवर हियर दैट यहाँ पे ये प्रोटोकॉल जेनेवा कन्वेंशन के थ्रू आगे बढ़ता है आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, जहाँ पे बताया जाता है कि नर्सेस, सिविलियंस, ठीक है, और ऐसे सोल्जर्स जो आप लड़ नहीं सकते हॉस्पिटल्स में है, माउंटेड ट्रूप्स, प्रिजनर ऑफ वॉर, उनके ऊपर आप अटैक नहीं कर सकते हो, ठीक है। पीस कीपिंग फोर्स, उनके ऊपर आप भी अटैक नहीं कर सकते हो। इसी के अंदर बताया गया है दैट वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स और केमिकल वेपन्स भी यूज नहीं कर सकते हो। देर वॉज अ न्यूज विच वी हैव सीन के वैक्यूम बॉम्ब यूज किया गया है, ठीक है, जो एक्सट्रीम चीजें भी अंदर आई गई है, तो इसी के वजह से एक वॉर क्राइम का नाम आया गया है। नाउ बात करते हैं स्पेसिफिक क्राइम्स जो वॉर क्राइम के लिए, मतलब ग्रेव ब्रिजेस ऑफ द कन्वेंशन दैट अमाउंट टू वॉर क्राइम इंक्लूड विलफुल किलिंग एंड एक्सटेंसिव डिस्ट्रक्शन एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी नॉट जस्टिफाइड बाय मिलिट्री। मतलब ये यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं इन सिंपली कि भैया जब वॉर चल रहा है तो यहाँ पे ये आपको अटैक नहीं करना है, फिर भी आप कर रहे हो तो आप ब्रीच कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ब्रीच कर रहे हो। उन लोगों को भी नहीं मानना है, सिविलियंस है या जिनके पास कुछ नहीं है, आप उन्हें भी मारो, ह्यूमन शील्ड ले रहे हो एंड अपने साथ हॉस्टेजेस ले रहे हो, तो ये सारी चीज़ें क्या है, वॉर क्राइम्स। नाउ पुटिन को इसके अंदर क्यों लिया गया है, इसमें बताया गया है कि पुटिन इज रिस्पॉन्सिबल एज ए वॉर क्रिमिनल, वाई, बिकॉज ही इज द लीडर ऑफ दिस वॉर, ठीक है, और उसी के चलते उसको पता है कि नीचे ऐसा सब हो रहा है एंड उन्होंने कुछ भी रोकने की कोशिश उसमें की नहीं, सो ही इज इक्वली कल्प्रिट इन इट, ठीक है। तो इसी के बेसिस के अंदर पुटिन को डाला जा रहा है। नाउ इन्वेस्टिगेशन एंड डिटर्मिनेशन, चार तरीके हैं इन्वेस्टिगेट करने के किसी भी पर्सन को वॉर क्रिमिनल। एक तो हमने बताया ICC द फर्स्ट एरिया जहाँ पे केस जाता है, ठीक है, UN से एफिलेटेड नहीं है, दैट मीन्स कोई भी इंडिविजुअल केस लेके जा सकता है। अगर ICJ होता, ठीक है, कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो वहाँ पे UN और उसी के एफिलेटेड जो कंसर्न स्टेट्स हैं वो जा सकते हैं। नाउ दूसरा है UN के द्वारा खुद से एक कमीशन बनाया गया हो, इंक्वायरी कमीशन हाइब्रिड, जो पुटिन को प्रोसिक्यूट करे, ठीक है। तीसरा तरीका है ट्रिब्यूनल्स, मतलब जो ये ग्रुप ऑफ इंटरेस्टेड कंट्रीज है, नाटो, यूरोपियन यूनियन, US, वो खुद एक ट्रिब्यूनल फॉर्म करके केस लड़े, ठीक है। सो एक ऑलरेडी ऐसा ट्रिब्यूनल है वर्ल्ड वॉर टू के बाद न्यूरमबर्ग में, जहाँ पे नाजी लीडर्स के खिलाफ और थोड़े और लीडर्स थे जिनके ऊपर वॉर क्राइम्स के केसेस हुए थे। चौथा तरीका है पर्टिकुलर कंट्रीज उनके खुद के लॉस जो कर सकते, तो जर्मनी है, US के पास ऐसा कुछ लॉ नहीं है, बट US की जो कोर्ट है, जस्टिस डिपार्टमेंट, उनके अंदर है इंटरनेशनल जेनोसाइड टॉर्चर रिक्रूटमेंट ऑफ चाइल्ड सोल्जर एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, उस बेसिस के अंदर वो कर सकते हैं, ठीक है। सो इतना याद रखना, बेसिकली बिडन ने बोला ही इज अ वॉर क्रिमिनल, पर ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता, देर आर द पैसेजेस। सो ICC के अंदर मेजरली वो कन्वेंशंस के अंदर दिया गया कि वो किसे देखते हैं, तो ICC खुद से कोई इंडिविजुअल वहाँ जाके कंप्लेन करे तो उनके ऊपर के हो सकता है इंक्वायरी, ठीक है। दूसरा तरीका ये है जो हमने बताया कि एक लॉ ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट होता है, अगर वो ब्रिज कर रहा है कोई पर्सन, ठीक है, तो उसका दूसरा तरीका या तो UN एक ट्रिब्यूनल बैठा है, या तो जो इंटरेस्टेड पर्सन है, ग्रुप ऑफ पीपल, वो एक ट्रिब्यूनल बैठा है, जैसे वर्ल्ड वॉर टू के बाद एक था न्यूमरबर्ग। देन तीसरा है जो कंट्रीज है उनके खुद के लॉज के अकॉर्डिंग वो कर सकते हैं, ठीक है। नाउ बात करते हैं प्रीवियसली कोई प्रोसिक्यूट हुआ है या नहीं। सो यू कैन सी ओवर हियर वर्ल्ड वॉर टू के बाद ऑलमोस्ट बहुत मेजर लीडर्स हैं जो बोसाना, कम्बोडिया, रवांडा, उन लोगों को भी किया गया था, ठीक है। UN ट्रिब्यूनल इन हैग हैज पुट फॉर्मर यूगोस्लाविया लीडर स्लोबोडन, उनको जेल में डाल दिया था, पर उनका वर्डिक है उससे पहले वो जेल सेल के अंदर मर चुके थे, ठीक है। सक्सेसफुली प्रोसिक्यूट करा गया है जनरल राटोको मेल्डेक बोसाना सब के अंदर, ठीक है, जो मिलिट्री लीडर थे, एंड रेडोवन कार्जारिक, उन लोगों को प्रोसिक्यूट वॉर क्राइम्स के अंदर किया गया है, ठीक है। सो मेजरली कंट्रीज थी जो न्यूज़ में थी, वॉर क्राइम क्या है उसके आसपास आपका क्वेश्चन बन सकता है, आर्म कॉन्फ्लिक्ट,
अगर कोई ब्रीच करते हैं जो रूल्स होते हैं भैया, लड़ने के भी एक उसूल होते हैं, अगर आप वो उसूल तोड़ रहे हो तो आप एक वॉर क्रिमिनल, ठीक है। ऐसा नहीं कि युद्ध, आपने अगर मूवी देखी हो खिलजी की, वो जो मूवी मस्त बनाई थी, उसके अंदर देखा हो तो क्या था कि अगर दो लड़ रहे कोई कुछ अटैक नहीं कर सकता, बट खिलजी के जो सोल्जर थे उन्होंने, एक पर्सन ने किया था, वी हैव सीन, जो उनके खास थे, उनको भी रोका गया था उनके सोल्जर्स के खुद के द्वारा कि ये गलत है, पर वो माने नहीं, ठीक है। सो एक उसूल होते हैं यूथ के भी, इतना याद रखना। नाउ बात करते हैं द क्वेश्चंस जो आपको देखने हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वॉर क्राइम्स। विलफुल किलिंग एंड एक्सटेंसिव डिस्ट्रक्शन एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी नॉट जस्टिफाइड बाय मिलिट्री नेसेसिटी अमाउंट टू वॉर क्राइम्स। वॉर क्रिमिनल इज एनीवन हु वायलेट्स अ सेट ऑफ रूल्स अडॉप्टेड बाय वर्ल्ड लीडर नोन एज द लॉ ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट। The International Criminal Court does not have the power to prosecute crimes against humanity committed against any civilian population. So the statements are given. आप थोड़ा अपना दिमाग दौड़ाइए, कौन सा हो सकता है? अभी हमने डिस्कशन किया है, सो आप बता ही सकते हो उसके लिए। हमने अभी देखा आईसीसी हैज द पावर, सो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत लिखा गया, तो जहाँ थर्ड है उसे हटा दो, और फर्स्ट ऑब्वियसली सही है, दूसरा भी सही है, तो वन एंड टू इज द आंसर, ठीक है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन। इन इंडिया द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड एडिबल ऑयल इज मोर देन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल। सो डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है उससे ज्यादा हम इम्पोर्ट करते हैं। पाम ऑयल इज द लार्जेस्ट इंपोर्टेड एडिबल ऑयल इन इंडिया। अराउंड 90% ऑफ इंडियाज टोटल सनफ्लावर ऑयल इम्पोर्ट कम्स फ्रॉम यूक्रेन एंड रशिया। Which of the above statements are correct? Now, सोचिए and फटाफट answer दीजिए comment section में। See, the first statement itself is the correct. यहाँ पे समझो हम edible oil import कर रहे हैं, ठीक है, तो first statement correct है। दूसरा palm oil सबसे ज़्यादा import करते हैं। तीसरा भी correct है, because अभी news में क्या था, लड़ाई चल रही है तो हमारा जो oil है वो impact हो रहा है। 90% हम sunflower oil import करते हैं Ukraine and Russia से, ठीक है। So answer is 1, 2, 3 itself. याद रखना, हम सबसे ज़्यादा ऑयल जो मंगाते हैं उसमें सबसे पहले आता है पाम ऑयल, दूसरा आता है सोयाबीन एंड सनफ्लावर, ठीक है। सो 60% हमारा जो ऑयल इंपोर्ट होता है वो पाम ऑयल होता है, रेस्ट सोयाबीन एंड सनफ्लावर। नाउ इंडिया श्रीलंका के रिलेशन के ऊपर थोड़ी बात करते हैं। नाउ क्या है इंडिया श्रीलंका का रिलेशन, क्यों न्यूज़ में था वो समझने की भी पहले कोशिश करते हैं। अभी इंडिया ने 1 बिलियन क्रेडिट फैसिलिटी श्रीलंका को दी गई है। आइलैंड नेशन अभी फॉरेन एक्सचेंज का जो उनका क्रंच चल रहा है एंड इतना ज़्यादा महंगाई, इन्फ्लेशन हाई लेवल पे चला गया, वर्स्ट क्राइसिस वहाँ पे चल रहा है, सो इंडिया ने 1 बिलियन की थोड़ी मदद की थी। तो नाउ ये आपका टॉपिक आता है GS2 के अंदर। डायमेंशंस क्या है आर्टिकल के, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। नाउ सबसे पहले इंडिया श्रीलंका का रिलेशन कहाँ से कैसे शुरुआत होता है वो समझते हैं। हिस्ट्री क्या है, इंटरवेंशन ऑफ द इंडिया एंड श्रीलंका सिविल वॉर जो सबसे बड़ा एक चीज़ हुआ था हमारे वहाँ पे, क्या है वो एक एक करके हम चीजों को समझते हैं। नाउ सी यहाँ पे ये श्रीलंका, ठीक है। सो यहाँ पे जिसको हम राम सेतु बोलते हैं ना, पहले पूरा था, अभी थोड़ा थोड़ा ही आया है, ज्यादा रहा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया का अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो इट वॉज सेम के बुद्धिज्म यहाँ पे आया था, अशोका के बेटे, ठीक है, वो बुद्धिज्म को यहाँ पे लेके गए थे। दीपवंसा में लिखा गया है कि हाउ बुद्धिज्म हैज कम इन श्रीलंका और किस तरीके से श्रीलंका का इंडिया के साथ पहले रिलेशन था, ठीक है। इट वॉज अ टाइम हमने देखा था कि चोला के खुद के यहाँ पे कितनी बार पूरा का पूरा श्रीलंका ले लिया गया था, एंड श्रीलंका वॉज अ पार्ट ऑफ इंडिया एट अ टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से इन हिस्ट्री चलता रहता था कि ये एक हमारे खुद का एक एरिया है। ज्योग्राफिकली अगर हम बात करें
तो आप देख सकते हो कि इंडिया के कहाँ पे है, नीचे ऑलमोस्ट हमारे साउथ के इस साइड में है, और यहाँ पे ही हमारा मालदीव्स है। सो मालदीव्स के अगर आप देखो तो ये मालदीव्स के नॉर्थ ईस्ट के अंदर आता है, ठीक है, और हमारे यहाँ के अंदर साउथ इस पोर्शन के अंदर आ जाता है श्रीलंका, ठीक है। सो श्रीलंका यहाँ पे पाक स्ट्रेट से अलग है इंडिया से, गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पर है। मेजरली यहाँ पे एक हमारा जो पोर्ट है मुंबई पोर्ट, उसको यहाँ से घूम के यहाँ जाना पड़ता था। तो यहाँ पे जो पार्क स्ट्रीट था, जिसको राम सेतु भी हम पहले बोलते थे, ठीक है, कि उसको वहाँ पे हम क्या बनाते थे, सेतु समुद्रम एक प्रोजेक्ट, ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे एक थोड़ा गड्ढा डीप कर लेते तो ये शिप यहाँ से ही यहाँ पहुँच जाएगी। पर थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट हो गया बिकॉज ऑफ राम सेतु एंड एवरीथिंग, सो उस चीज़ों के लिए भी ये न्यूज़ मिला। नाउ बात करते हैं हम अगर, सो इंडिया एंड श्रीलंका रिलेशनशिप कैसे इस्टेब्लिश होता है, किस तरीके से ये जर्नी इन लोगों की आगे बढ़ती है, वो देखते हैं। तो याद रखना कि लक्षद्वीप हमारा कोरल आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार वॉल्केनिक आइलैंड है, श्रीलंका वॉज कनेक्टेड ओवर हियर, ठीक है। अब मेजरली यहाँ पे क्या होता है, सी ये रहा श्रीलंका, आप देख सकते हो यहाँ पे ना। अगर बात करते हैं श्रीलंका की, तो दोनों ही कंट्री ब्रिटिशर के अंडर आती थी, कॉमनवेल्थ का हम पार्ट थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस दोनों का अलग तरीके से शुरू होता है, वी हैव हेल्प इन द इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल और सब कुछ तरीके से, बट देर वॉज थोड़ी कड़वाहट थी रिश्तों में, कैसे वो कड़वाहट होती है वो सब हम समझने की कोशिश करते हैं। नाउ 1950s वॉज अ टाइम जब दोनों अपने इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे थे। इट वॉज अ टाइम खुद श्रीलंका थोड़ा चाइना के तरफ भी थोड़ा बहुत टिल्टेड था इन द टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑल द थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत, ठीक है, इंडिया से ही ज़्यादा आता था। बट अगर बात करें तो क्या था, दोनों अपने अपने तरीके से काम कर रहे थे, बट देर वॉज अ रीजन ओवर हियर। यहाँ देखो ये जो आप रीजन देख रहे हो, ये जो नॉर्दर्न पोर्शन है ना, अभी हिस्ट्री में जब ब्रिटिशर्स थे तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ से जो तमिलियंस थे उनको यहाँ लेके गए थे चाय के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे क्रॉपिंग और वो सब करने के लिए यहाँ पे मेजर तमिलियंस चले गए थे, तो वो यहाँ पे रहने लग गए थे। अब ब्रिटिशर्स चले गए, अब यहाँ पे मेजर श्रीलंका में बुद्धिज़्म ज़्यादा है, ठीक है, तो 70% से ज़्यादा पॉपुलेशन बुद्धिस्ट है, रेस्ट जो तमिलियन हिंदूज है। अब उसी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट शुरू होती है, अब ऐसे तो हटा नहीं सकते कि आप चले जाओ। सो व्हाट दे डन, दे स्टार्टेड वॉर अगेंस्ट दैम, ठीक है। सो मिलिट्री जो रेफ्यूजी क्राइसिस रोहिंग्या फेस कर रहा है उसी तरीके से होने लगा। अब क्या हुआ, एक पॉइंट में यहाँ पे जितने तमिलियंस थे ना, उनके रेफ्यूजीज यहाँ तमिलनाडु में आने लग गए सबसे ज़्यादा। अब इंडिया में इतना ज़्यादा रेफ्यूजी, प्लस प्रेशर सरकार के ऊपर तमिलनाडु से भी कि ये क्या नीचे चल रहा है, हमारे लोगों को इस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं उसी प्रेशर के अंदर एक 1990 के अंदर, उससे पहले एक अकॉर्ड साइन हुआ गया था, जिसको 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की भी बात कर रहे थे, राजीव गांधी के साथ जो साइन किया गया था। देयर इज अ फोटो आई हैव कैप्ट ओवर हियर, हाँ ये देख सकते हैं, दोनों ही है, जयवर्धन है यहाँ पे, राजीव गांधी जी है। सो देयर वॉज अ 1987 इंडो श्रीलंका पीस अकॉर्ड। अब ये पीस अकॉर्ड के अंदर क्या बात की थी कि आपका जो संविधान है उसमें चेंजेस लाई है, ठीक है, उसमें जो सिनालाज है, ठीक है, उसको जितना उनको पावर दिया उतना ही तमिलियन लोगों को भी इक्वल राइट्स दो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, वोटिंग राइट्स, हर एक चीज़, उनकी लैंग्वेज भी डाल दो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये सारी बातें की थी उन्होंने, ये बोला कि आप अभी वॉर ख़त्म करो, शांति बनाए रखो, आपकी तरफ से आप ट्रूप्स वूप्स डाल दो, हथियार वथियार डाल दो, हम तमिल की जो पार्टी है, तमिल LTT बेसिकली, ठीक है, सो तमिल एलरियम वो जो पार्टी थी उसको हम बता देंगे, वो भी शांति मान जाएगी। तो दे वर रेडी। सी रिमेंबर, ये अकॉर्ड इंडिया एंड श्रीलंका गवर्नमेंट के बीच में होता है, पर बीच में देर वॉज नो रेफरेंस ऑफ तमिल पार्टी ओवर देयर। जो मेजर LTT फोर्स वहाँ पर अलर्ट थी, उनसे तो डायरेक्ट बात नहीं की थी, उन्होंने बोला था इंडियन गवर्नमेंट ने कि हम उनसे बात कर लेंगे, हम समझा देंगे। सो इनिशियल वे में LTT वॉज रेडी कि ठीक है हम हथियार छोड़ देंगे, हम मान जाएंगे, बट LTT अलग ही, मतलब आप एक आप किसी बच्चे को बोलोगे कि भैया ये नहीं करना है, ठीक है, थोड़े दिन नहीं करेगा, फिर वो वापस से आके वही चीज़ करेगा। ऑल्सो दे टेकन द वेपन्स एंड अगेन दे स्टार्टेड ऑल दिस थिंग। तो फिर गवर्नमेंट बोलती है अब देखो, अब आपने बोला था, अब फिर हम क्या करें, ठीक है। और उसी के चक्कर में इंडिया की जो पीस कीपिंग फोर्स गई थी शांति बनाने के लिए,
उल्टा हो गया, वो लोग लड़ने लगे तो पीस कीपिंग फोर्स को खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन सोल्जर्स ने खुद के ही लोगों पे फिर अटैक करना पड़ा खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए. दैट कंडीशन हैपेंड एंड फाइनली फिर इतना ज़्यादा हो गया तो राजीव गांधी रियलाइज के भैया भूल हो गई, हमने आपके बीच में इंटरफेयर किया, आप खुद से ही देख लो, हम जा रहे हैं हमारी फोर्स को भी लेके, क्योंकि मैंने कितने लोग हमारे सोल्जर्स इस वॉर के अंदर मर चुके थे. ठीक है, सो दे वेंट, हो गया. अभी यहाँ पे इन लोगों का फिर तो क्या हो गया, फ्री हैंड मिल चुका था श्रीलंका की गवर्नमेंट को कि इंडिया सी, एक था इंडिया का एक शील्ड जो प्रोटेक्ट कर रहा था वहाँ के तमिल जो लीडर्स थे, जो अलग से पॉलिटिकल पार्टीज बनाई गई थी. सी व्हाट हैपेंड, जब आप किसी पे ऊपर इतना टॉर्चर और वो सब कर रहे हो तो एक इंसान एक पॉइंट तक सहता है, फिर उसको लड़ने के लिए वो रिवेंज लेता है. तो उसी के लिए LTTE ही बनी थी. ठीक है, अब क्या हुआ कि अब आपके पास शील्ड नहीं ला तो अब क्या हुआ, डायरेक्ट अटैक. अब एक बात समझने की चीज़ है, इधर एक एक कंट्री जहाँ पे उसकी खुद की सरकार है, जहाँ पे मिलिट्री नेवी सब कुछ उसका है, वहाँ पे आप कब तक लड़ सकोगे, कब तक टिक सकोगे. ठीक है, सो फाइनली उन्होंने ख़त्म कर दिया LTTE को और 2009 के अंदर ऑलमोस्ट वॉर्स ख़त्म कर दिए गए. ठीक है, सो दैट वॉज दी एंड. पर उसके ड्यूरेशन में क्या हुआ, जब इंडिया ने बोला कि भैया गलती हो गई, हमारे फालतू में हमारे सोल्जर्स जा रहे जो पीस कीपिंग के लिए आए थे, पर कुछ ज़्यादा ही हो गया है, आप देख लो हम निकल गए, राजीव गांधी फिर इंटरफेयर नहीं किए. बट उसी के चलते जो वहाँ पे हुआ था ना, वहाँ पे जो थोड़े बहुत लीडर्स थे, उसी के चलते हमारे एक PM की मौत हो गई थी. सो इंडिया का एक मेजर लॉस हुआ था श्रीलंका, तो वही रिश्तों में कड़वाहट वहाँ से आ चुकी थी ऑलरेडी. ठीक है, अब आप देखोगे ऑलरेडी PM, अगर हम राजीव गांधी की बात करते तो उन्हें इंटरेस्ट था ही नहीं पॉलिटिक्स में आने का, बट बिकॉज ऑफ दी सडन असोसिएशन ऑफ इंदिरा गांधी उन्हें बना दिया गया. और उसी के चक्कर में उन्होंने यहाँ पे कुछ ओवरलुक करने की चीज़ की थी कि थोड़ा शांति बना देते हैं, बट हुआ नहीं और उनकी खुद की ही जान चली गई. ठीक है, सो वी हैव लॉस्ट वन ऑफ आवर PM जो अपने ही टाइम से कुछ आगे ही थे इन द टर्म ऑफ थिंकिंग. नाउ बात करते हैं किस तरीके से फिर आगे बढ़ा था. सो आप देखोगे 2009 के अंदर LTTE ख़त्म कर दिया. अब यहाँ पे देखो, अभी तक पहले US कोई भी कुछ नहीं बोला था, क्यों, समझने की चीज है. यहाँ जो श्रीलंका है, ठीक है, पहले वो ब्रिटिशर्स के अंदर था तो कॉमनवेल्थ का था, तो यहाँ पे जो इंडियन ओशन को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया का एक बफर श्रीलंका आता है. ठीक है, तो वो दोनों साथ में काम करें तो हमारी सिक्योरिटी रह सकती है. तो इनिशियल टाइम पे पहले वो ब्रिटिशर्स के अंदर था, फिर USSR, एंड देन फिर आप देखोगे कि US के वो एक लॉन्ग पीरियड तक इंटेलिजेंस गैदरिंग करने का यहाँ पे काम कर रहे थे. ठीक है, फिर अब क्या देखने को मिल रहा है कि अब वो टिल्ट हुए चाइना के तरफ, जो हम्बनटोटा जो हमारा उनका पोर्ट है वो दे दिया गया है श्रीलंका के द्वारा. तो कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी जो फ्रिंज हो रही है उसके लिए हमें श्रीलंका के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करें तो हो सकता है कि इंडियन ओशन की सिक्योरिटी, इंडिया की सिक्योरिटी रिलाई करें. तो इस तरीके से प्रीवियसली चल रहा था. नाउ बात करते हैं कि उस वक्त ऑलरेडी US के वो इंटेलिजेंस तो US इतना कुछ इंटरफेयर कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रही थी कि ये क्या कर रहे हो आप, इतना बड़ा अटैक क्यों कर रहे हो, ह्यूमन राइट्स जा रहे हैं, इट इज़ व्हाट क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये सब चीज़ें थी. ठीक है, तब तक कोई कुछ बोला नहीं, सब USSR उसी के अंदर खोए हुए थे. नाउ व्हाट हैपेंड, उसके बाद जगती है. ठीक है, UN की जो ह्यूमन राइट काउंसिल्स है वो सारी सब जगती है, इन सब बोलते हैं कि ये इन्होंने किया गया है, रिजोल्यूशंस निकाला. ठीक है, तो दो रिजोल्यूशन निकाले थे 2012 में और 2014 से पहले का एक रिजोल्यूशन. कि दो रिजोल्यूशन के अंदर इंडिया ने उस रिजोल्यूशन में वोट किया था अगेंस्ट श्रीलंका जो ये हुए थे, क्योंकि थोड़ा नीचे से प्रेशर भी था. ठीक है, बट 2015 के बाद से हम लोग नहीं वोट किए, एब्सटेन किए वोट ह्यूमन राइट जो वॉयलेट हुए उसके, अगर हाँ उसके ऊपर जो रिजोल्यूशन है उसमें हम एब्सटेन किए. क्यों, बिकॉज इट इज़ बीन फाउंड कि हमारे वोट से ना श्रीलंका थोड़ा बहुत और ज़्यादा खींच चुका है चाइना के तरफ. ठीक है, और उसी के चलते हम हमारी सिक्योरिटी और वो सब समझते वी एब्सटेन फ्रॉम दी वोट. ना पहले वोट क्यों था, एक तो हमारा डर था कि हमारे PM भी चले गए और प्लस इतना हमारा तो इसलिए हो चुका था. ना बात करते हैं किस तरीके से LTTE जब 2009 के अंदर ख़त्म होती है,
उसके बाद ये सब रिलेशनशिप का चला था. बट इट इज बीन फाउंड कि ऑलरेडी हमने क्या बोला कि हम हमारे आसपास के नेबर्स के ऊपर ज़्यादा वर्क करने शुरू कर गए 2015 से. तो थोड़ी बहुत पॉलिसीज के अंदर चेंज आता है एंड यू विल बी फाइंडिंग के 2019 एंड रिसेंटली अभी भी राजपक्सा और वो सब इंडिया आए, विजिट किए और बातचीत चल रही है. थोड़ा हम इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं. वी हैव बीन इन्वेस्टिंग ओवर द एरियाज. सो पहले थोड़ा कड़वाहट था. आफ्टर 2009 के बाद थोड़ा बहुत चीज़ें हुई है, पर 2015 के बाद और थोड़ा बहुत धीरे धीरे शुरुआत हो रही है. नाउ यू कैन सी ओवर हियर द एरिया. ये जो एरिया है तृणमूल, यहाँ पे इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है. नॉर्दर्न एरियाज में इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है. इन्वेस्ट इन द सेंस घर बनाना, पोर्ट एंड एवरीथिंग, उस सब सारी चीज़ों में इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है. ठीक है, सो इंडिया भी अपना प्रेजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर श्रीलंका में बना रहा है. तो ये जो चेक डिप्लोमेसी चल रही है, चेकबुक डिप्लोमेसी चाइना की, उसको थोड़ा कम करने के लिए, उसी के चक्कर में 99 ईयर के जो लोन वो दे नहीं सके उसके चक्कर में लीज दे दिया. हम जो यहाँ का पोर्ट था, हम टोटा जो पोर्ट था वो लीज में दे दिया गया. सो इवन दे नो कि ज़्यादा ऊपर वहाँ पे भी रिलाई नहीं कर सकते. बट अंडरस्टैंड, श्रीलंका में कहीं ना कहीं पहले से कम्युनिस्ट थॉट की सरकार है, आइडियोलॉजी की. ठीक है, और उसी के चलते यू विल बी फाइंडिंग एक्सट्रीम लेवल ऑफ करप्शंस गवर्नमेंट के अंदर हुआ गया है, और उसी के चलते वो ज़्यादा ही टिल्टेड है. ये पूरी की पूरी सरकार चार भाइयों के द्वारा इतने टाइम से चलाई जा रही है, और इतना एक्सट्रीम करप्शन की वजह से अभी वहाँ पे क्राइसिस भी है. वी आर गोइंग टू अपकमिंग लेक्चर में आई एम गोइंग टू इवन टॉक यू अबाउट दी व्हाट इज द क्राइसिस, उसके एक डायमेंशन. टुडेज वॉज इम्पॉर्टेंट कि भैया क्या रिलेशनशिप था. तो इस तरीके से पहले अच्छा था हमारा रिलेशनशिप इन एंशियंट टाइम. वी हैव सीन इट वॉज अ पार्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस. वी हैव सीन कि किस तरीके से जो तमिलियन पीपल थे उनके ऊपर किया गया एंड हाउ इंडिया इंटरफेयर ओवर देयर. पर उसी में हमारा एक नुकसान हो गया एंड थोड़ा बहुत कड़वाहट रिश्तों में रह गई. आफ्टर दैट थोड़ी बहुत इम्प्रूव हुई. वी आर इन्वेस्टिंग ओवर देयर. सो ये अभी तक की बात है. ठीक है, हॉस्पिटल्स है, वो सब चीज़ों में हम वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं. See, you can see the port of Trinakumul, the port of Hambantota, जो दे दिया गया है 99 years के लिए चाइना को, the port of Gail, the port of Colombo, ये सारे major ports हैं श्रीलंका के, और यहाँ पे इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है. इस एरिया में इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है. Now, बात करते हैं एक और अगले टॉपिक की, हीट वेव. क्या है ये हीट वेव, वो समझने की अब हम कोशिश करते हैं. अभी आपने देखा होगा मार्च का महीना चल रहा है एंड ऑलरेडी 40 डिग्री वी हैव बीन टच. सो इतनी ज़्यादा गर्मी अभी मार्च के टाइम में है, तो व्हाट विल हैपन इन मई एंड जून. क्वेश्चन इज हाउ द ग्लोबल वार्मिंग इज इम्पैक्टिंग, हाउ द क्लाइमेट चेंज इज इम्पैक्टिंग द होल कंट्री. अभी ये हीट वेव सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे के पूरे पैरेलल लाइन हर जगह चल रहा है. यू हैव बीन सीइंग कि आइस भी मेल्ट हो रहे हैं, आर्कटिक ओशन और उस सब जगह में. सो आईपीसीसी की रिपोर्ट कि अगर नहीं हमने कंट्रोल किया तो कितने डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स आ सकते हैं, उसकी थोड़ी झलक अभी हमने देख ली है. इन दी विंटर टाइम एक्सट्रीम विंटर्स इस बार हुई थी, लॉन्ग विंटर्स भी थी. अब गर्मी मार्च के अंदर ही इतनी है, सो व्हाट विल बी द कंडीशन अपकमिंग मंथ्स, वो देखने की बात है. नाउ न्यूज़ में इसलिए था कोंकण रीजन, जो जनरली वहाँ पे इतना होता नहीं है, वहाँ पे हीट वेव, वहाँ पे टेम्परेचर 40 डिग्री पहुँच चुका है. नाउ बात करते हैं अभी ये जो एरिया आता है ना, ये कोंकण रीजन है. ठीक है, अभी ये कोंकण रीजन में आप देखोगे यहाँ पे क्या है, ओशन है और यहाँ पे लैंड. तो ओशन मतलब सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, उसी के चलते इस एरिया में इतनी गर्मी नहीं होती है कभी. पर अभी यहाँ पे 40 डिग्री चल हो गया है. क्यों हो गया है, और यहाँ पे इसका हीट वेव का रीज़न है गुजरात से, सौराष्ट्र से और कच्छ से आने वाले गर्म हवा. क्यों वहाँ तक पहुँच रही है, क्योंकि सी ब्रीज अभी इतनी ज़्यादा हो नहीं रही है, तो इतना ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है यहाँ से हवा रही है, इसलिए वहाँ पर टेम्परेचर 40 डिग्री पहुँच चुका है. नाउ बात करते हैं किस तरीके से कोई भी टाइम को हम हीट वेव कब बोलते हैं.
हीट वेव के इम्पैक्ट्स क्या हो रहे हैं आज के टाइम के अंदर, एंड व्हाई इज कॉनकन एक्सपीरियंसिंग हीट वेव कंडीशन, एंड व्हाट इज द फोरकास्ट, क्या होने वाला है, ठीक है, वो हम सब समझते हैं. सबसे पहले हीट वेव का मतलब क्या है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर है मैक्सिमम भी उस टाइम के लिए गर्मी के अंदर, उससे भी ज़्यादा एबनॉर्मल हाई टेम्परेचर चला जाता है. ठीक है, सो समर सीजन के टाइम ये होता है नॉर्दर्न वेस्टर्न एंड साउथ सेंट्रल एरियाज़ के अंदर, अगर ये ज़्यादा हो जाता है उसे हम हीट वेव बोलते हैं. उसके लिए भी क्राइटेरियाज रखे गए हैं हीट वेव के लिए. नाउ ये मेजरली मार्च एंड जून एंड रैली टिल जुलाई तक देखने को मिलता है. नाउ हाई डेली पिक टेम्परेचर एंड लॉन्गर मोर इंटेंस हीट वेव आर बिकमिंग इंक्रीजिंग वे फ्रिक्वेंटली ग्लोबली. अभी आपको ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है, उसी के चक्कर में यू विल बी फाइंडिंग दैट अभी सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर भी आग लगी गई है. ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर कुछ हद से ज़्यादा पहुँच चुका है. इवन ऑस्ट्रेलियन बुश फायर, वाई द वर्क वॉज डिफरेंट ओवर द स्ट्रेटोस्फेरिक जो क्लाउड्स थे उसी की वजह से, पर वो क्या है, विंड्स, गर्म विंड्स, और उसी के चलते टेम्परेचर बढ़ रहा है. सो यू विल बी फाइंडिंग हर एक जगह पे हीट वेव्स के इफेक्ट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं. ठीक है, अब कैसे हम डिफाइन करते हैं. सो यू पहले यहाँ पे देख लो, मेजरली स्टेट्स अफेक्टेड विद हीट वेव, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य, विदर्भ, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, ये मेजर है जहाँ पे हीट वेव्स होते ही होते हैं. ठीक है, यहाँ से जाके यहाँ पे आपने देखा होगा कितनी डेथ आंध्र प्रदेश उस सब में मिलती है लू. नाउ यहाँ पे इतने कम होते हैं, यहाँ पे भी कम होते हैं थोड़े बहुत, पर यहाँ पे अब बढ़ रहा है. ठीक है, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज यहाँ पे भी अब बढ़ रहा है, और यहाँ पे तो होता नहीं है सी ब्रीज लैंड ब्रीज की वजह से, बट यहाँ पे भी अब आपको टेम्परेचर चेंज करता देखने को मिल रहा है. एंड इट हैज़ बीन फाउंड कि टोटल डेथ टोल अगर आप आंध्र प्रदेश तेलंगाना के तो 2000 तक हीट वेव की वजह से लोग मर रहे हैं. ठीक है, सो नाउ बात करते हैं क्राइटेरियाज हीट वेव को समझने के लिए. तो सबसे पहले है स्टेशंस. सी प्लेन होगा तो वहाँ पे 40 डिग्री पहुँच जाता है. ठीक है, और अगर हिल जहाँ पे 30 डिग्री पहुँच जाता है तो दैट आर द कंडीशंस फॉर द हीट वेव. मेजरली ये बोला जाता है कि अगर जो नॉर्मल आपका टेम्परेचर है उसमें 5-6 डिग्री के अंदर चेंज हो रहा है कंसेक्यूटिव 5 डेज के अंदर, या जो दो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे 2 दिन से ऑब्जर्व हो रहा है, तो आप उस एरिया को हीट वेव घोषित कर सकते हो. ठीक है, नाउ दूसरा चीज़ ये है अगर टेम्परेचर टर्म्स की अगर हम बात करूँ तो अगर 5 डिग्री नहीं 7 डिग्री या उससे ज़्यादा में चेंजेस आ रहे हैं तो आप उसे बोल सकते हो सीवियर हीट वेव. ठीक है, सो दैट मीन्स 40 डिग्री से अबव आपकी कुछ कंडीशंस आ जाती है तो आप हीट वेव घोषित कर सकते हो. सीवियर हीट वेव 45 डिग्री से अबव चली जाती है, सो वो हीट वेव कॉमनली वहाँ पर डिक्लेयर हो जाती है. सो ऑलमोस्ट एक्सट्रीम कंडीशंस हो जाती है, अभी 1 डिग्री बढ़ जाता है तो इंसान हिल जाता है, तो 45 डिग्री अबाउ 47 तो क्या हालत होगी. अब उससे क्या होगा, यू विल बी फाइंडिंग डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रॉक, हीट कैंप, इंसान खत्म हो जाता है 2 सेकंड के अंदर, फटीग, वीकनेस, डिजीनेस, हार्ट एग्नोसिया, मसल क्रैम्प, स्वेटिंग, ये सारी चीज़ें जो साइकोलॉजिकली इंपैक्ट करते हैं. इट इज़ बीन फाउंड कि गर्मियों के टाइम में बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज लोगों की यहाँ पर प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, क्योंकि इतनी गर्मी है कैसे काम करेगा, डिहाइड्रेट हो जाएगी बॉडी. ठीक है, सो दे नीड, और इतनी गर्मी में काम नहीं होगा तो बट यू विल बी फाइंडिंग मोर पीपल इन द इंडोर्स, इंडोर्स में रहना पसंद करेंगे, एंड डिमांड ऑफ मोर एसी यू विल बी फाइंडिंग दैट टू, और उसी के चलते अगेन ग्रीन हाउस गैसेज और रिलीज हो गए और क्लाइमेट चेंज विल बी अफेक्टेड. नाउ अगर हम नंबर ऑफ डेथ्स की बात करें सो यू कैन सी ईच एंड एवरी स्टेट्स आर फेसिंग हीट वेव के डेथ्स. ऑलमोस्ट 2015 से लेके कहीं ना कहीं ज़्यादा हीट वेव के अंदर डेथ्स हो रही है. ठीक है, सो बहुत घातक है. प्लस यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश करो, जो डिजास्टर एक्ट है हमारा, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, उसके अंदर जो डिजास्टर्स बताए गए, हीट वेव इज़ नॉट डिक्लेयर एज अ डिजास्टर राइट नाउ, उसे बताया नहीं गया है. सो डिजास्टर के अंदर है नहीं तो उसकी प्रिपरेशन मिटिगेशन उतनी इफेक्टिवली अब हो नहीं रही है. अगर उसके अंदर होता तो उस अकॉर्डिंग प्लान चलता. ठीक है, सो देर इज़ नो डिजास्टर एज सच बीन हीट वेव को मैंशन नहीं किया इन डिजास्टर. ठीक है, अभी क्या है, IMD जो हमारे डिपार्टमेंट है मेट्रोलॉजिकली, वो क्या करती है, वो कलर कोड्स दे देती है कि कौन सा कंडीशन है, अलर्ट्स दे देती है, भैया ऑरेंज हो गया, रेड हो गया, घर में रहो, ये हो, इतना काम चल रहा है, ये पानी पियो, थोड़ा इसमें ठंडा रखो, इस तरीके से. पर अगर हमें अभी टैकल करना है हीट वेव को तो वी हैव टू चेंज डिजास्टर एक्ट, और उसमें हीट वेव डालने की ज़रूरत है तो काम हो सकता है.
सो कौन कौन एक्सपीरियंस क्यों? एक तो सौराष्ट्र कच्छ रीजन आप देखोगे, हीट जो गर्म हवा है वहाँ पे पहुँच रही है, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज की, जो सी ब्रीज है इस बार ज़्यादा नहीं है, बहुत कम मूवमेंट है सी ब्रीज की, तो एक्सचेंज ऑफ विंड्स हो नहीं रहा, तो वहाँ पे टेम्परेचर में इतना विंड एक्सचेंज वो सब होता है ना, तो मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, ज़्यादा टेम्परेचर रहता नहीं, बट हो नहीं रहा है, उसी के चलते टेम्परेचर बढ़ रहा है और वहाँ ऊपर से भी हीट वेव्स की विंड्स आ रही है, इसलिए गर्म कंडीशन पहली बार कौन कौन रीजन में देखने को भी अब मिल रही है. ठीक है, नाउ यू विल बी फाइंडिंग ऑरेंज अलर्ट विच इज़ लाइक हीट अलर्ट, एक्सट्रीम हीट अलर्ट, रेड, येलो, हॉट डे. सो ये सारे अलर्ट्स मैसेजेस आ जाते हैं कि भैया कुछ ज़्यादा है, घर में रहो, क्या करना है क्या नहीं करना है. ठीक है, सो मेजरली यू विल बी फाइंडिंग दैट IMD ने ऑरेंज अलर्ट वार्निंग इशू किया गया है मुंबई, थाने, रायगढ़, रत्नागिरी, पालगढ़ एंड सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट, और येलो कार्ड थोड़े कोस्टल एरिया के लिए. तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, उसी के बेसिस में ये न्यूज़ था कि क्या है हीट वेव. सो आपको क्वेश्चन प्रिलिम्स में अगर आना होगा तो इस तरीके से आएगा कि हीट वेव की कंडीशन क्या है, मेंस में आएगा कि हीट वेव को कैसे टैकल करें, ठीक है, क्या सॉल्यूशन रहना चाहिए. तो पहले तो डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर डालो, नाउ इट इज़ वन टाइप ऑफ डिजास्टर इट्सेल्फ. ठीक है, नाउ ब्लॉकचेन गेमिंग इन इंडिया, उसकी बात करते हैं, क्या है ब्लॉकचेन गेमिंग. यू विल बी फाइंडिंग दैट इट इज़ बीन सेइंग कि इंडियन कंपनीज डिमांड करिए, देयर इज इंटरेस्ट कि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इनकी गेम्स के अंदर इंट्रोड्यूस करें. सी, पहले तो हम याद करते हैं क्रिप्टो करेंसी किस तरीके से ब्लॉकचेन उसके अंदर आता है. सो यू विल बी फाइंडिंग, सपोज आई एम जनरेटिंग वन नोड, ठीक है, मैं एक नोड जनरेट कर रही हूँ, यहाँ पे ग्रुप ऑफ नेटवर्क है, अब वो मैंने उनको मेरे को बोला कि मुझे यहाँ पर ट्रांजेक्शन करना है या ये करना है. ठीक है, तो ये लोग के पास आ जाएगा, दे विल सी के ओके प्रॉपर चीज़ें हैं क्या है, तो ये लोग सब हाँ बोल देंगे, वैलिडेशन दे देंगे. तो इस वैलिडेशन के चक्कर में एक सीरीज ऑफ कुछ नोड्स बनेगा जो जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा. ठीक है, अब इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो, इट इज़ ओपन. ठीक है, एंड ये क्या है, पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज है, हर एक सिस्टम के अंदर स्टोर किया गया, एक लेजर की तरह काम करता है. ठीक है, तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसको अभी गेमिंग में इंट्रोड्यूस करने की बातें चल रही है. ठीक है, नाउ सो ब्लॉकचेन क्या है वो हमने समझ लिया. ठीक है, दूसरा ब्लॉकचेन इन गेमिंग, तो दैट मींस ऑनलाइन वीडियो गेम्स जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करेंगे. हमने पहले लेक्चर में एक बात करी थी नॉन फंजिबल टोकन, ठीक है, NFT, वो हमने देखा था कि किस तरीके से एक वर्चुअल असेट बनाया जा रहा था, वर्चुअल जैसे कुछ इमेजेस है उस सबको क्रॉप करके या कुछ भी तरीका है, गिफ इमेजेस है उन सबको वर्चुअली डिजिटली आपने असेट बनाया, आप उसका ट्रांजेक्शन कर सकते हो, पॉकेट में आपके पास फिजिकली नहीं होगा बट डिजिटली रहेगा, उसमें ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कर सकते हैं. क्योंकि इससे क्या होगा, दे विल बी रजिस्टर्ड कि ये इंसान के पास ये ऑनलाइन असेट है. ठीक है, अगर उसको करना है तो ये एक्सचेंज मीडियम अवेलेबल है, यहाँ पे ये कर सकते हैं, तो सब हाँ बोल देंगे, सो एक क्लियर कट आइडिया रहेगा. ठीक है, तो नॉन फंजिबल गेम्स के लिए जैसे वो जो टोकन से उसको गेम्स फॉर्म में भी अलग अलग फोटोज उस सब की वो कर सकते हैं. ठीक है, दैट इज़ द वन थिंग जो यूज़ करने की बात है. ठीक है, दूसरी चीज़ है क्रिप्टो करेंसी. अब ये जो क्रिप्टो करेंसी है, हमने देखा कि हम कुछ भी चीज़ उससे खरीद सकते हैं, तो गेम्स में भी हम यूज़ कर सकते हैं टू परचेज द वेपन्स या लाइफ उस सब के लिए. ठीक है, सो दैट इज़ एथरम, ये ऐसा एक्सचेंज है जिससे हम कर सकते हैं. अभी गेमिंग कॉइन्स बने हुए हैं एक्से इन्फिनिटी एंड एंजिन कॉइन्स. ठीक है, अभी ये क्या है, ये परचेज करता है, अगर आपको कुछ असेट्स चाहिए गेम्स के अंदर, यू विल बी लाइक वेपन्स है, आप लोगों ने पबजी खेला तो वेपन्स चाहिए, ये चाहिए, आर्मर चाहिए, अलग अलग चीज़ें, उसको परचेज करने के लिए कॉइन्स चाहिए. सो गेमिंग कॉइन्स हम बना सकते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, रजिस्टर्स जगह तो पता भी रहेगा किस तरीके से काम चल रहा है. ठीक है, यहाँ पे एक तो होता है प्ले करो और खुद से अर्न करो या तो खरीदो, दैट कैन बी दी मीडियम. नाउ बात करते हैं इंडिया के अंदर गेम्स की क्या लीगलिटी है. तो समझने की यहाँ पे ज़रूरत है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और ऑलरेडी लीगलिटी अगर हम बात करें तो स्टेट्स के अंदर आता है ये लिस्ट, गेम बैटिंग और वो सब स्टेट्स के अंदर आता है, एंटी नंबर 34. तो यहाँ पे क्या बताया कि डिस्टिंग्विश किया है गेम ऑफ स्किल क्या है और गेम ऑफ चांस क्या है. अगर जहाँ पे स्किल चाहिए, इंसान का दिमाग चाहिए, नॉलेज चाहिए कुछ करने के लिए, वो सारी गेमिंग के ऊपर आप बैट लगाओ भी ना, सट्टा लगाओ ना, तो भी वो इलीगल नहीं है और वो सारी गेम्स खेल सकते हैं. ठीक है, बट गेम ऑफ चांस लक से, ठीक है, तो आप उसमें आप बैटिंग करोगे, सट्टा लगाओगे, तो वो इलीगल है. गेम ऑफ चांस सारे इलीगल है. क्यों? हॉर्स
राइडिंग जो होती है राइट, हॉर्स रेस, उसको गेम ऑफ स्किल. क्यों? वहाँ पर जो हॉर्स को लेने वाला जो जॉकी होता है ठीक है, उसकी स्किल्स है जिसके वजह से जीतते हैं, तो वो लीगल है इंडिया के अंदर. नाउ बात करते हैं ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी गेमिंग के अंदर यूज़ करने की बात कर रहे हैं, तो क्या वो लीगली कैसे आती है, स्किल्स के अंदर आती है या नहीं आती, तो ये समझो. पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने उनके कहीं वर्डिक में ये मेंशन किया गया है कि ऑनलाइन जो वीडियो गेम्स है दैट डजंट कम इन गेम ऑफ स्किल्स. ठीक है, उसमें क्या है, ये तो हाथ में ही कंट्रोल है, गेम ऑफ चांस ही है, आपका पूरा का पूरा कंप्यूटर आपके हाथ में है, सो यू आर द कंट्रोलिंग पर्सन, तो इसमें कोई स्किल की बात है ही नहीं. ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहले बता दिया. अब किस तरीके से ब्लॉकचेन का यूज़ कर सकती है गेमिंग कंपनीज जो इंटरेस्टेड है, अभी लीगलिटी क्या है जो बोल रही है गेम ऑफ स्किल ही चलती है, तो कैसे होगा वो सब हम देखने की कोशिश करते हैं. प्लस IPR से कैसे अफेक्ट करेगा वो भी हम देखने की कोशिश करते हैं. सी अभी एज सच क्लियर कट देर इज़ नो लॉ फॉर द क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया, बात चल रही है करने की. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करें उसकी भी बात चल रही है, बट देर आर नॉट क्लियर कट डायमेंशंस आ चुके हैं. ठीक है, अगर गेमिंग इंडस्ट्रीज़ यूज़ करें इट विल बी गुड, बट क्या उसके इफेक्ट्स लॉ के अंदर आते हैं या नहीं वो देखने के लिए बात है. क्योंकि जब ये लॉ बना था तब इंटरनेट एज सच थिंग था नहीं, अब है इंटरनेट, तो ये चीज़ों को अभी लॉ में डाला नहीं गया है, तो वो देखना है. दूसरा अगर हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो पहले आ जाता है पेटेंट. तो पेटेंट आप क्या था पहले, कंप्यूटर प्रोग्राम्स का पेटेंट नहीं कर सकते हो. ठीक है, बट बाद में चीज़ों में सुधार आया कि इन्वेंशन, ऐसे प्रोग्राम्स जो कुछ अलग ही चीज़ दे दे, ऐसा कुछ इन्वेंशन कर दे उसे आप पेटेंट कर सकते हो. तो आप गेमिंग के अंदर आपने कुछ बनाया है ठीक है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो उसे आप पेटेंट कर सकते हो. कॉपी मार्क, तो कॉपी जो कॉपी कॉपीराइट बेसिकली, तो कॉपीराइट भी आप ले सकते हो. कॉपीराइट मल्टीमीडिया के अंदर ही गेमिंग आता है. ठीक है, तीसरा आ जाता है आपका ट्रेडमार्क, तो आप खुद का अलग अलग ट्रेड सिंबल्स बना के ट्रेडमार्क भी एज अ रजिस्टर कर सकते हो. तो IPR के अंदर कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ करके यू कैन यूज़ मैनी एरियाज, बट एज सच इंडिया में अभी तक उसके लिए क्लियर कट डायमेंशंस नहीं आए हैं इन लीगलिटी बेस. क्या लीगल लॉ गेम्स के लिए वो हमने समझा दिया. ठीक है, नाउ क्या वे फॉरवर्ड है, तो सबसे पहले इससे अडॉप्ट करने से गेमिंग टेक्नोलॉजी को बूम होने वाला है, मार्केट विल बी बूम. ठीक है, अब याद रखना यहाँ पे जो आपकी बात चल रही है देयर इज अ डिफरेंस वन थिंग ओवर हियर. अभी जो गेम के अड्डे होते हैं कॉमन गेमिंग हाउस, कॉमन गेमिंग हाउस, अभी कॉमन गेमिंग हाउस क्या है तो सबसे पहले इधर समझो. कॉमन गेमिंग हाउस क्या, अगर यहाँ पे सारी गेम्स हैं उसे आप खेल रहे हो और जो उसको ओनर है उसको उसका प्रॉफिट मिल रहा है, आपके हर एक चीज़ के ऊपर प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो इलीगल है. ठीक है, बट हाँ जैसे यहाँ पे कुछ प्ले स्टेशन वो सब रख दिए, कोई प्रॉफिट वॉफिट नहीं, बट इसको खेलने के लिए सिर्फ फीस ले रहे हो तो वो लीगल है. जैसे अड्डे होते जुए के अड्डे, तो आप जितना करोगे उनका इतना परसेंटेज होता है ठीक है हर एक टेबल का, तो वो प्रॉफिट है, तो वो इलीगल है. बट फॉर एग्जाम्पल गेमिंग जोन्स आप जाते हो तो वो तो आपको यूज़ करने के गेम यूज़ करने की सिर्फ फीस ले रहे, तो वो अलाउड है. ठीक है, अब ये गेमिंग टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन गेमिंग टेक्नोलॉजी कॉमन गेमिंग हाउस में कैसे आती, गेमिंग ऑफ स्किल्स में आती है या नहीं आती, ये सब क्लैरिटी के बाद पता चलेगा. बट देयर इज़ अ डिमांड कि वो इसे यूज़ करने की बात करें, तो अगर आगे बढ़ाना है तो हमें हमारी लीगलिटी के हर एक एस्पेक्ट्स को इसमें देखना पड़ेगा. ठीक है, आगे चलते हैं. Which of the following African country share border with Indian Ocean? Indian Ocean के साथ कौन सी African countries border share करती है, लिखे गए आप अपना select कर दीजिए और बता दीजिए comment section में. सी अफ्रीकन कंट्रीज जो इंडियन ओशन को बॉर्डर करती है, तो बोत्सवाना तो अंदर आती है, इट्स इन दी लैंड है, आसपास है ही नहीं सी, तो वो नहीं आती. तो थर्ड हटा दो, सब जगह से थर्ड हट चुका है, तो बी एंड सी रहता है. ठीक है, अब बात करते हैं तंजानिया है, सोमालिया है, मोजम्बिक है, तो ये सी विल बी दी आंसर. सी द मैप ओवर हियर, सी बोत्सवाना यहाँ पर है, जिम्बाब्वे और नामीबिया के बीच में, नीचे साउथ अफ्रीका. ठीक है, यहाँ पे स्वाजीलैंड करके एक छोटी सी जगह भी है. ना ये कहाँ से इंडियन ओशन को टच कर रहा है, नहीं कर रहा, मडागास्कर कर रहा है, मोजाम्बिक कर रहा है. सी दिस इज द स्वाजीलैंड,
नाउ साउथ अफ्रीका कर रहा है, यू विल बी फाइंडिंग तंजानिया, केनिया एंड दिस इज सोमालिया. सो ये इंडियन ओशंस को यहाँ पे बॉर्डर कर रहे हैं. यहाँ पे अगर अगर हम देखें तो नामीबिया, अंगोला, कॉन्गो, ठीक है, फिर दिस इज द कैमरन है. तो ये सारी छोटी छोटी कंट्रीज है जो यहाँ पे इंडियन ओशन को, ये इंडियन ओशन को फॉलो नहीं करती. ये कहाँ पे कर रही है? ये अटलांटिक ओशन को, इंडियन ओशन को सिर्फ इतने ही टच कर रहे हैं. नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया. फिस्कल पॉलिसी प्ले अ की रोल इन एलिवेटिंग द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन बोथ इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. फिस्कल पॉलिसी हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टिमुलस टू एलिवेट द सेविंग रेट. इट्स एम टू मिनिमाइज द इम्बैलेंस इन द डिस्पर्शन ऑफ इनकम एंड वेल्थ. सो आंसर कमेंट सेक्शन में डालिए, क्या है फिस्कल पॉलिसी, आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा. सो थोड़ा देखिए, फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या है? मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिसीज दी जाती है जिससे आपकी इकोनॉमी आगे बढ़ सकती है, ठीक है, और उसी इकोनॉमी की वजह से इनइक्वालिटी भी कम हो सकती है, लाइक टैक्स रेट्स और वो सब, ठीक है. सो थर्ड स्टेटमेंट इज राइट कि जो इनकम एंड वेल्थ है उसको डिस्पर्स करते हैं, प्रॉपर टैक्सेस लगाते हैं जो हाई इम्पैक्ट है, तो इम्बैलेंस को कम करना, प्लस सेविंग रेट्स को इम्प्लीज करते हैं. मतलब अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल रखे, ठीक है, स्पेंडिंग्स हो तो सेविंग होगी, वो सारी चीज़ें, कंजप्शन बढ़ेगा. सो ये कैपिटल फॉर्मेशन भी कर रहे हैं. सो तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है. नाउ वन रैंक वन पेंशन की बात करते हैं. अभी क्या है ये वन रैंक वन पेंशन? ये बहुत पुरानी सी लड़ाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में. अभी क्यों इसके बारे में कुछ आया है? देयर वाज नो कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फर्मिटी इन द वे गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड वन रैंक वन पेंशन अमंग एक्स सर्विस पर्सनल. द स्कीम नोटिफाइड बाय डिफेंस मिनिस्टर ऑन 7th November. अब यहाँ पे थोड़ा बहुत आप समझने की कोशिश की है. क्या है ये? सी, ये बहुत ऑलमोस्ट 40 ईयर्स ऑफ स्ट्रगल था जो एक्स आर्मी पर्सनल था to come with one rank one pension policy. Finally 2014 के अंदर जब पी चिदम्बरम की सरकार जो थी उस वक्त, दे एग्रीड एंड होने वाला था, बट सरकार भी पलट गई, दूसरी सरकार आई. इन 7 November 2015 ये जो नई सरकार थी उन्होंने अग्री किया कि हम इस तरीके से ये पॉलिसी को लाएंगे, ठीक है. अब क्या है ये सब हम समझने की बात करते हैं. पहले क्या था? सपोज 1950 और अभी बात करते हैं 2013, ठीक है. अभी 1950 से जो पर्सन काम कर रहा था सर्विसेज के अंदर, सपोज आपकी सर्विसेज के अंदर अलग अलग टाइप के रैंकिंग होते हैं, ठीक है, मेजर होते हैं, अलग अलग टाइप के कर्नल होते हैं, सोल्जर होते हैं. सोल्जर 35 के बाद ख़त्म हो जाते, तो उनका पेंशन होता ही नहीं है. तो ये सारी चीज़ें थी, इशूज़ था कि पेंशन सही से नहीं मिल रहे थे कितनों को भी नहीं. वो तो अलग अलग रैंक पीरियड, उस सब में बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे. देयर वाज अ रिमांड वन रैंक वन पेंशन. अभी क्या था, एक समझने की आपको एग्जांपल देती. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पर्सन 1960 15 साल की सर्विस देता है, 1965 में ए पर्सन रिटायर होता है, ठीक है. ये कर्नल थे, उनका रैंक कर्नल था और ये रिटायर होते हैं 15 साल की सर्विस देने के बाद. अब यहाँ पे जो पर्सन वो काम कर रहे थे पहले से, उनके 15 साल यहाँ पे ख़त्म हुए और वो रिटायर हुए, वो भी कर्नल पोजीशन पे थे, ठीक है. तो दोनों का सर्विस पीरियड सेम था. अब यहाँ देखो, सर्विस पीरियड सेम, दोनों की रैंक भी सेम, बट यहाँ पे पहले सिस्टम क्या था कि जो आपकी प्रीवियस आखिरी की जो पे होगी उसके बेसिस पे आपको पेंशन दिया जाता है 50%. अभी सपोज यहाँ पे ये इंसान को बेचारे को 1000 रुपये मिल रहे थे, तो इसको 50% मतलब 500 रुपये महीने के पेंशन मिलेंगे. अभी इसने सेम सर्विस दी है, सब कुछ दिया है, अभी थोड़ा बाद आगे उस टाइप पे जाके इंक्रीमेंट हो जाता है. अभी फॉर एग्जांपल ये इंसान की आखिरी सैलरी थी 50,000, ठीक है, तो इसको इसका कितना मिल जाएगा 50%, मतलब 25,000 इसको महीने का पेंशन
मिल जा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यू विल बी फाइंडिंग ओवर हियर कि ये क्या है, दोनों सेम सर्विस उन्होंने दी है और सेम रैंक में थे, पर अलग अलग टाइम पीरियड में वो डिप्राइव हुए थे या सर्विसेज ख़त्म की थी, बट उनकी जो प्रीवियस सैलरी थी उसके बेसिस पे पेंशन मिली जा रही थी, तो देयर वाज अ डिफरेंस इन दैट। अब इसी के चलते एक्स सर्विसेज ने बैन की दैट वन रैंक वन पेंशन। अब ये क्या है, आप देखो भाई कि हमने दोनों ने सेम टाइम पीरियड दिया है, हमारे दोनों की सेम रैंक है, तो सेम क्यों पेंशन नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने बोला दोनों की सेम पेंशन करो, अगर इसको भी 25 मिले तो इसको भी 25 दो विद द टाइम, ठीक है। तो ये डिमांड चल रही थी, पहले जो इशू था आप देखिए इधर क्लियर कट आप समझिए, ए और बी ये दोनों इंसान कर्नल है, 15 साल की उन्होंने सर्विस दी है, ठीक है। अब इनकी आखिरी सैलरी 1000 रुपये थी तो उनको 500 रुपये मिल रही, इनकी आखिरी 50,000 थी तो इनको 25,000 मिल रही। अब ये दोनों के बीच में, दोनों के पेंशन के बीच में गैप, तो ये तो डिसएडवांटेज है, देर इज नो इक्वालिटी, ठीक है। तो उसी के बेसिस के ऊपर ये डिमांड 40 साल से चल रही थी, एंड फाइनली एक कमेटी बनाई जाती है सरकार के द्वारा, कोश्यारी कमेटी। ये कमेटी बोलती है, कोश्यारी कमेटी, कि सबसे पहले जो वन रैंक है, सबकी जो रैंक सेम है और सेम ईयर ऑफ सर्विस, ठीक है, सेम ईयर ऑफ सर्विस है, सेम रैंक पर है, तो उनको सेम पेंशन देनी चाहिए, ये उन्होंने बोला। दूसरा उन्होंने बोला सपोज सेम रैंक है पर सेम ईयर नहीं है, तो वहाँ पे सेम पेंशन नहीं आता, ठीक है, वहाँ पे फिर चीज़ें चेंज हो जाती है। अभी फॉर एग्जांपल इन्होंने सिर्फ 5 साल ही काम किया और इन्होंने 15 साल, तो फिर वो इधर लागू नहीं होता। तीसरा चीज़ उन्होंने बोला कि विद टाइम अपने आप वो फिक्स हो जाएगी पेंशन, विद टाइम अपने आप चेंज हो जाएगी पेंशन, जैसे जैसे नई नई कमीशन्स बनती है अलग अलग थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट होता है, तो विद टाइम वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये कोश्यारी कमेटी ने बोला। और ये 2014 में फाइनली आर्मी एंड गवर्नमेंट के बीच में हो जाता है कि ठीक है फाइन, हमने कमेटी बनाई थी, उनके रिकमेंडेशंस थे, हमने सुने रिकमेंडेशन, हम अग्री करते हैं कि हम वन रैंक वन पेंशन की पॉलिसी लाते, बट क्या हुआ उस वक्त पी चिदम्बरम थे, अभी सरकार बदल गई, सरकार बोले कि हमें भी ये काम ख़त्म कर देना है। सो 7 नवंबर 2015 को सरकार बोले कि हम फाइनली वन रैंक वन पेंशन को इफेक्ट दे रहे हैं। अब ये जो समझो डिमांड इसकी थी, ठीक है, कोश्यारी कमेटी ने भी यही बताया और डिमांड भी इन लोगों की यही थी कि हम लोगों की पेंशन सेम कर दो विद दी जो हमारा जिस तरीके से है, ठीक है, और ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होना चाहिए विद द टाइम, ठीक है। अभी जो नई सरकार थी उन्होंने बोला कि देखो पहली चीज जो जो दो जो 2000 से पहले के थे उनको और दो 2014 के ये 7 तारीख के बाद के इन दोनों के लिए थोड़ा एक अलग पेंशन रहेगा, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि फॉर एग्जांपल कि जो 2014 से पहले का है, ठीक है, अब उसकी कुछ सपोज 80,000 पेंशन आ रहा है उसका, तो उसका तो इतना ही रहने दो, हम उसको कम नहीं करेंगे, उसका जो है उसका उसका तरीके से चलने दो। बट सपोज किसी का उससे कम आ रहा है, फॉर एग्जांपल किसी का 500 आ रहा है, 25,000 जो अलग अलग था, उनको हम एक क्या कर रहे हैं, एवरेज कर रहे हैं, जो उस टाइम पीरियड तक जितनी भी सबकी जो सैलरी 1990 से लेके 2013 तक उसका हम एवरेज निकालते हैं, और उस एवरेज के अकॉर्डिंग पता चलता है 65,000 पेंशन होना चाहिए महीने का, ठीक है। तो जो इस रेंज के अंदर नहीं है, कम है, उसको हम यहाँ तक ले आते हैं, ठीक है, और जो इससे ज़्यादा है उसको हम कम नहीं करेंगे, उनको यहाँ पे हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे, ये सरकार ने बताया। अब यहाँ बताया कि 2014 से बात है उन सबके लिए सेम रहेगा, ठीक है, ये यहाँ पे बात कर दी। तो यहाँ पे जो कोश्यारी कमेटी और जो पेंशनर्स जो सर्विस मैन थे उनकी डिमांड क्या थी कि भैया वन रैंक वन पेंशन, मतलब हम लोगों की सर्विस सेम है तो सबका सेम पेंशन रहना चाहिए। बट यहाँ पे सरकार ने क्या बोला, जो ज़्यादा है उनको तो हम कम नहीं करें, उन्हें प्रोटेक्ट करें, पर जिनकी कम है उनके लिए हमने एक एवरेज निकाला गया है, उस एवरेज के अकॉर्डिंग हम उनको ऊपर तक 65,000 तक ले आते हैं, ठीक है, और 2014 के बाद है उनके लिए सबके लिए सेम लागू रहेगी। तो ये तो डिफरेंस है, कहाँ वन रैंक वन सेम पेंशन की हो रही है, ये सर्विस मैन का कहना था, ठीक है। दूसरी चीज़ सरकार ने बोला कि हम
हर 5 साल के अंदर फिक्स करेंगे किस तरीके से इन सेक्शंस को देना है, किस तरीके से इन सेक्शन को देना है, हम वो हर 5 साल के अंदर खुद से फिक्स करेंगे। अब वहाँ पे क्या था, ऑटोमेटिक इंक्रीज। अब सर्विसमैन बोले कि ये तो धोखा हो गया भाई, पहले 1 रैंक 1 पेंशन की बात की थी, कोशारी कमेटी और वो सरकार मान गई थी, अभी कुछ नया ही आप लेकर आए हो, तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, इनइक्वालिटी है, तो आर्टिकल 14 हमारा वायलेट हो रहा है, ठीक है। और उसी के बेसिस पे उन्होंने बोला ऑटोमेटिक था, अब ये नहीं आप खुद फिक्स करोगे हर 5 साल के बाद, तो ये थोड़ी ना चलेगा। तो उसी के बेसिस पे वो गए सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भैया एक चीज़ यहाँ समझो, सरकार ने जो कोश्यारी कमेटी बनाई थी और उनके जो रिकमेंडेशंस थे, उसका मतलब ये नहीं कि वो सरकार के रिकमेंडेशंस है, ठीक है। सरकार ने क्या बोला कि हमने उनके रिकमेंडेशंस सुने, हम एक आपके लिए एक पॉलिसी बनाएंगे, ऐसा बोला। अब सरकार ने उस वक्त पॉलिसी कुछ चौक प्लान आउट नहीं था, सिर्फ बात बोली थी, ठीक है, देयर वाज नो फाइनल नोटिफिकेशन या कुछ चौक प्लान आउट नहीं, तो सिर्फ बात ही हुई थी कि हम करेंगे। अभी 2015 में जब सरकार ने ये तारीख को जो पॉलिसी बनाई, वही फाइनल पॉलिसी है सरकार की, आगे कोई चॉकआउट नहीं हुआ था, सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है वो सही है, ठीक है। अब आप जो बोल रहे हो कि ये सही नहीं है, ये इनइक्वालिटी, ये बात ही नहीं है, सरकार ने कोश्यारी कमेटी इज नॉट द सरकार, सरकार ने उस वक्त बोला कि ठीक है हमने उनके रिकमेंडेशन सुने हैं, हम एक पॉलिसी बनाएंगे, पर फाइनल ड्रॉट नहीं किया था, फाइनल ड्रॉट इस तारीख को किया, तो ये सही है, ये सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि आप ये जो आर्टिकल से लेकर आए हो ये गलत है, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, आपकी लिए वो खारिज कर दी जाती है। दूसरी चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ खासकर बोली गई है कि ये सरकार की पॉलिसी है, ये सरकार का कोई लॉ नहीं है या कुछ ऐसा कानून नहीं है जिससे किसी के फंडामेंटल राइट फ्रिंज हो रहे हो या कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ अनवॉइड लॉ बनाया हो, ये पॉलिसी है सरकार की, एंड दिस 3 डिफरेंट पिलर, लेट देम वर्क ऑन देयर वे। अब हम कोर्ट हर एक जगह पे जाके उनके काम पे हस्तक्षेप करेंगे तो वो सही तरीका नहीं है। हाँ उनकी पॉलिसी है, लेट देम कम, हाँ अगर वो उनकी पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे तो हम हैं, आप आओ हम बोलेंगे कि भैया आप इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हो, पर अगर वो पॉलिसी लेकर आ रहे हैं और वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो फिर हम उस चीज़ में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ये सरकार की खुद की पॉलिसी नीति है उनकी, ठीक है। हाँ अगर कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अगर फंडामेंटल राइट किसी की फ्रिंज हो रही हो तो वो सब चीज़ें के लिए हम बैठे हैं, ये क्लियर कट पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि लेट द पिलर्स, लेट देम डू द वर्क, इफ़ देर इज़ नीड कि कहीं पर वॉयलेशंस होता है वी आर देयर, पर पॉलिसीज के अंदर खुद जुडिशरी काम नहीं करेगी, जुडिशरी का काम नहीं है पॉलिसीज को देखना, ठीक है, ये क्लियर कट इसमें बता दिया गया है। सो ये 1 रैंक 1 पेंशन का था फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट ने रूल आउट कर दिया है, नो कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फॉर्मेटी जो 7 तारीख से दिया गया है वो है सही तरीका। सो ये सब था। नाउ मैनुअल स्कैवेंजिंग की बात करते हैं, क्या है मैनुअल स्कैवेंजिंग और क्यों न्यूज़ के अंदर मैनुअल स्कैवेंजिंग था। रिसेंटली 3 लेबर इन मुंबई अलेजली हायर फॉर मैनुअल स्कैवेंजिंग डाइड आफ्टर इनहेलिंग टॉक्सिक फ्यूम्स इन सेक्टिंग टैंक। अभी 5-6 महीने पहले राज्यसभा के अंदर जो हमारे मिनिस्टर्स थे उन्होंने बोला था कि इंडिया में पिछले 5 सालों से मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए कोई मौत नहीं हो रही है, ठीक है। और अभी ये रिसेंट जो आंकड़े हम देखने वाले हैं दैट शोज़ कि ये कितना गलत स्टेटमेंट पार्लियामेंट के अंदर दिया गया था। नाउ रिसेंटली 3 लेबर्स की डेथ हुई है इसी के अंदर, तो हमारे लिए ये टॉपिक आ जाता है GS2 के अंदर, सोशल जस्टिस के अंदर, क्या है ये जो इशू रिलेटेड पॉवर्टी माइनॉरिटी एंड वेलफेयर स्कीम टू द वल्नरेबल सेक्शन। डायमेंशंस की अगर बात करें, मैनुअल स्कैवेंजिंग इंडिया में है क्या, प्रिवलेंस कब से चल रहा है और क्या प्रोविजन्स है और क्या एक नेशनल एक्शन प्लान लागू किया गया। सी इंडिया में मैनुअल स्कैवेंजिंग का एक बहुत मेजर कारण है, सबसे बड़ा इज द कास्ट सिस्टम, ठीक है। जो कास्ट सिस्टम इतना बड़ा चल रहा है उसी के चलते जो लोअर दर्जे के जो कास्ट सिस्टम्स हैं, ठीक है, उन लोगों को इसका काम सौंप दिया गया है पहले से, और उसी के चलते उनकी सोशल मोबिलिटी नहीं हो रही है एंड दे हैव बीन फोर्स टू वर्क फॉर दिस। नाउ उसी के लिए हमारे यहाँ पे क्या क्या काम किया है, तो मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या है, मतलब आप मैन्युअली जो नाले के अंदर जो सब कचरा भरा हुआ है, इवन द सीवेज सिस्टम, होल द यूरिनल फेकल स्लज, वो सब कुछ
जिसे साफ नहीं किया है वो खुद हाथ से साफ करके उसको क्लीन करते हैं और पूरा गटर साफ करते हैं, और उसी के अंदर इतनी टॉक्सिक गैसेस उसमें रिलीज होती है बिना सेफ्टीज के, दे आर बीन डाइड बिकॉज ऑफ इट. ठीक है, नाउ 1993 की बात करें तो इंडिया में बैन कर दिया गया था मैनुअल स्कैवेंजिंग. किसके लिए? ड्राई लैटरिन्स. ठीक है, ऐसी लैटरिन्स ड्राई वहाँ पे उनको खुद से वहाँ के लिए बैन कर दिया था. ठीक है, नाउ 2013 में मैनुअल स्कैवेंजिंग का डेफिनेशन को बड़ा किया. यहाँ पे अब ड्राई लैटरिन्स नहीं पर सेप्टिक टैंक्स, रेलवे ट्रैक, डिचेस, उस सब में भी उसको मना करा है. ये डीह्यूमनाइज प्रैक्टिस है, उसको हम करेक्ट करेंगे जो जो गलत प्रैक्टिस हिस्ट्री में चल रही है. नाउ अगर मैनुअल स्कैवेंजिंग की बात करें तो देर आर दी रिकॉर्ड्स जो हमें देखना है. सफाई कर्मचारी ने बताया कि अभी तक 631 पीपल हैव डाइड इन द कंट्री. सीवर एंड सेप्टिक टैंक की ही बात करें तो उतने लोग मरे हुए हैं, रजिस्टर्ड आके अनरजिस्टर्ड पता नहीं. ठीक है, 2019 में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल डाइड 110, पिछले 5 साल से सबसे ज़्यादा उधर का आंकड़ा था. 2018 की बात करें तो 68%, कहीं ना कहीं 61% इंक्रीज हो रही है डेथ के अंदर इस सब सारी चीज़ों के अंदर. नाउ स्टिल हमारे यहाँ पे बैन है 1990 से लेके 2013 में और ब्रॉडर एस्पेक्ट कर दिए और बैन है फिर भी चल रहा है. एज पर द डेटा ऑलमोस्ट 30,000 पीपल अभी भी मैनुअल स्कैवेंजिंग में है. स्पेसिफिकली अगर बात करें तो यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा 30,000 है, 48,000 अप्रॉक्सीमेटली 48,000 समथिंगली इतने मैनुअल स्कैवेंजर्स इंडिया में है. ठीक है, उसमें भी सबसे ज़्यादा यूपी के अंदर है. सो जॉब्स दैट किल, इवन यू विल बी सीइंग 162 पीपल डाइड इन गुजरात. ठीक है, तमिलनाडु में 234 एंड यहाँ पे जो कलर लाइट है ना वहाँ पे कम मौत है, ज़्यादा डार्कर कलर है वहाँ पे ज़्यादा मौत है. त्रिपुरा में 2. ठीक है, और जो ये ग्रे एरिया है वहाँ के डेटाज अवेलेबल हमारे पास नहीं है. नाउ बात करते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग क्यों एक बहुत बड़ा कंसर्न है. सबसे पहले हमने देखा कि कास्ट सिस्टम्स है जिसके वजह से ये चल रहा है. सरकारें काम कर रही है पर इन ग्राउंड इतना रिलक्टेंस हो रहा है उसको ऑपरेट करने में. एक और चीज़ आप देखोगे यहाँ पे, जो हम बात कर रहे हैं कास्ट सिस्टम में, अभी यहाँ पे देखो स्वच्छ भारत जो स्कीम आई गई होती है इसमें क्या बोला है, सीवेज पिट, सिंगल पिट, सेप्टिक टैंक्स, ठीक है, ये सब बनाया जाएंगे, फिर ट्विन पिट. अभी एक्चुअली ये जो ट्विन पिट है ना ये ही रोबोटिक क्लिनिक यहाँ पे होती है, पूरा का पूरा ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाता है, इंसान को जाने की ज़रूरत नहीं. पर ये सारी जगहों पे इंसान को जाने की ज़रूरत है और सरकार ये सारी चीज़ें बना रही है स्वच्छ भारत के अंदर. ठीक है, अगर सरकार सिर्फ इसके ऊपर फोकस करती ना तो ऑटोमेटिक क्लीनिंग हो जाता और अपने आप डायरेक्टली मैनुअल स्कैवेंजिंग कम हो जाता. बट ये सीवेज पिट, ये सब जो अंदर बनाने की जो अलग अलग प्रक्रिया है वही डाली गई, उसके वजह से आज भी मैनुअल स्कैवेंजिंग खुद सरकार की पॉलिसीज की वजह से और ज़्यादा प्रैक्टिसेस हो रही है. क्यों? इट इज़ बीन फाउंड कि सिर्फ 13% ही है जो ट्विन पिट है, ये 33%, ये उससे ज़्यादा. ठीक है, तो कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ डिफॉल्ट पॉलिसी वी हैव बीन इंक्रीजिंग दिस मैनुअल स्कैवेंजिंग प्रोग्राम इटसेल्फ. सो अगर हमें रिफॉर्म लाना है तो पहले तो ये ही बदलाव करो खुद सरकार की पॉलिसी के अंदर के ऑल पिट शुड बी ट्विन पिट, या कुछ नई टेक्नोलॉजी के बेसिस पे पिट बनाओ कि ऑटोमेटिकली क्लीनिंग हो जाए. ठीक है, सो वहाँ पे एक फ्लॉ है. नाउ यू विल बी फाइंडिंग व्हाट आर द मेजर प्रोविजन. सी बात याद रखना, एक तो पॉलिसी, दूसरा जो हिस्टोरिकल प्रैक्टिसेस था उसी के चक्कर में सर्टेन सेक्शन को उसकी जॉब दे दी गई है. ठीक है, अब उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक सरकार के द्वारा सफाई कर्मचारी नेशनल कमीशन बनाया गया. अभी वो नॉन स्टैट्यूटरी, अभी वो लॉ भी उसका ख़त्म हो चुका है, बट नॉन स्टैट्यूटरी विद टाइम एक्सटेंड होती जाती है. ठीक है ना, वो क्या है, वो सब इन्वेस्टिगेशन वो सब करती है, रिकॉर्ड उनके पास वो रखती है. दूसरी चीज़, उसी के द्वारा सफाई कर्मचारी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट भी एक बनाया गया सरकार के द्वारा. इसी के अंदर क्या होगा, नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट. ठीक है, उनके द्वारा लोन दिए जाते हैं सफाई कर्मचारी को. तो एक होता है सफाई उद्यमी,
मतलब उन्हें अगर कोई अच्छे सेफ्टी मेजर्स या गेयरअप या ऑटोमेटिक क्लिनिक डिवाइस वो सब खरीदनी है तो ये कॉरपोरेशन उनको लोन देगी, फंड करेगी, ठीक है। दूसरा है स्किलिंग को भी ये देगी, या फिर स्टार्टअप्स ऐसे सेफ्टी गेयर्स वो सब बनाने के लिए, तो ये तरीका भी डाला गया है, ठीक है। नाउ यू विल बी फाइंडिंग, सबसे पहला प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट जो क्लियर कट बताता है दैट बिकम एन इंटीग्रल सेफगार्ड फॉर सैनिटेशन वर्कर, 90% पीपल एम्प्लॉयड आर बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट एक सेफगार्ड देती है। दूसरा है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज ए मैनुअल स्कैवेंजर एंड द रिहेबिलिटेशन, जो क्लियरली बताता है कि ये सारी चीज़ों पे मैनुअल स्कैवेंजिंग जो हो रही है उसको हम मना करें, प्रोहिबिट करें, उनको रिहेबिलिट करेंगे। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ सबके लिए है, ठीक है। ना नेशनल एक्शन प्लान, ये बिल बेसिकली अभी पेंडिंग है, उसी के थ्रू जो लाया जा रहा है कि किस तरीके से हम कंप्लीटली एबोलिश करके रिहैबिलिटेट करें, वो अभी पेंडिंग है। बट उसी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस काम कर रही है कि किस तरीके से हम मैकेनाइज कर सकते हैं, फेशियल स्लर्जेस और वो सब का ट्रीटमेंट करें, कि इसके लिए एक प्रॉपरली हेल्पलाइन नंबर, वो सब की बात चल रही है, ठीक है। यहाँ पे पहले क्या था, जो लॉ था उसके अंदर 1 साल की जेल और 5,000 जुर्माना था, इसके अंदर और स्ट्रिंजेंट प्रोविजन आने की बात चली टू स्टॉप इट। पर मेरा ये मानना है कि सरकार के खुद की जो पॉलिसी है स्वच्छ भारत, उसी के अंदर अगर एक लॉ में चेंज करके ये डाल दे कि सेप्टिक टैंक्स वो सब की जगह वी कैन गो फॉर ट्विन पिट और एनी अदर फीचर्स हु हैव ऑटोमेटिक क्लीनिंग, सो ऑटोमेटिकली दिस मैनुअल स्कैवेंजिंग विल बी शट डाउन, क्योंकि ये मेजर प्रोजेक्ट सारे रूरल इंडियाज में ही चल रहे हैं ना। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज, ये अर्बन मिनिस्ट्री के द्वारा एक लॉन्च किया गया था वर्ल्ड टॉयलेट डे के ऊपर लास्ट ईयर, ठीक है। तो 243 सिटीज टू इंश्योर कि किसी की जान ना जाए, हजार्डस क्लीनिंग ना हो, उसी के बेसिस में एक ऐसे चैलेंजेस भी चल रहे थे और जिन्हें था उन्हें रुपए मिले गए थे सिटीज जिन्होंने अच्छे से काम किए थे, ठीक है। नाउ दैट्स इट फॉर दैट। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज वुमेन शेयर इन इंडियन जुडिशरी। इंडियन जुडिशरी के अंदर वुमेन कितने परसेंटेज के अंदर है उसकी बात चलती है, ठीक है। नाउ रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमना सेड द जेंडर गैप इन जुडिशरी हिंडर वुमेन फ्रॉम रिपोर्टिंग क्राइम। वी हैव सीन कि कितने परसेंटेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जजेस में ही फीमेल है, कितनी हाई कोर्ट्स के अंदर है। हम एक एक करके प्रोविजन्स देखते हैं, फैक्ट्स देखते हैं, दैट विल शो कि कितना जेंडर गैप है। अगर वो क्लोज हो जाए तो अपने आप वुमेन ज़्यादा क्राइम्स रिपोर्ट करेगी, ठीक है। सो बेसिकली इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस बनाया गया था यूएन के द्वारा मार्च 10, ठीक है। 1 साल के बाद फाइनली इंडिया में हमारी जुडिशरी है वो सेलिब्रेट भी कर रही है उस चीज़ को। ये रिजोल्यूशन कतार के द्वारा गया था जिसको इंडिया ने भी स्पॉन्सर किया था। नाउ बात करते हैं प्रेजेंट स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडियन जुडिशरी। सो यू विल बी फाइंडिंग 33 जजेस है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें से सिर्फ 4 ही वुमेन है। अगर मैं वुमेन जजेस की बात करूँ हाई कोर्ट में तो 11% ही है, 11.5%, ठीक है। 37 वुमेन में से सिर्फ 4 है। अभी बात करें हाई कोर्ट के लिए तो टोटल जो नाम गए थे रिकमेंडेशन 1 साल के अंदर 192 सो फार, उसके अंदर सिर्फ 37 ही वुमेन्स के नाम दिए गए थे, उसमें से भी सिर्फ 17 को ही अपॉइंटमेंट मिली गई है। आप वो देखो 680 जजेस है, 83 वुमेन ही है उसके अंदर सिर्फ हाई कोर्ट के अंदर। सो 30% वुमेन जुडिशियल ऑफिसर इन सब ऑर्डिनेट्स बहुत कम नंबर में है। इवन लॉयर्स की बात करें तो सिर्फ 15% वुमेन्स ही लॉयर के अंदर है, 17 लाख लॉयर उसके अंदर सिर्फ 15% है। आप अगर देखो तो नो वुमेन जजेस इन दी 8 कोर्ट्स, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ पे कोई वुमेन जजेस ही नहीं है हाई कोर्ट के अंदर। सिक्किम हैज़ हाईएस्ट रिप्रेजेंटेटिव, 50-50 है दोनों सिक्किम के अंदर, एंड दिल्ली विद द वुमेन चीफ जस्टिस हैज़ सेकेंड हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। उसके अलावा बाकी सब स्टेट्स के अंदर डामाडोली चल रहा है। नाउ अगर वुमेन रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम जुडिशरी के अंदर तो क्या होगा, तो सबसे पहले अपने आप चीज़ें होगी, क्राइम रिपोर्टिंग बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वुमेन है वो ब्रॉडर परस्पेक्टिव के अंदर जुडिशरी के अंदर जजमेंट देखेंगे, डाइवर्स हो गए उनके चीज़ों को। प्लस इट हैज़ बीन फाउंड कि जो स्ट्रिंजेंट लॉज है उसको इन कैपिटल इन्फोर्स करने में भी सक्षम हो सकेंगे, ठीक है। सो विल बी फाइंडिंग दैट द प्रेजेंस ऑफ वुमेन ऑन बोर्ड इन द बेंच बहुत एक सिर्फ सिम्बॉलिक इम्पॉर्टेंस नहीं है, बट जजमेंट के अंदर ज़्यादा ब्रॉडर परस्पेक्टिव्स को भी देखा जाएगा, प्लस थोड़ी एम्पैथी होगी कंपेयर टू द मेल पार्ट, थोड़ी एम्पैथी होगी एंड थोड़ा बहुत ओपन होगा। दे विल बी ओपन टू एलजीबीटी कम्युनिटीज, डिफरेंट ओरिएंटेशन, ये भी देखने में जाया जाएगा।
देन अगर पॉसिबल कॉजेज की बात करें क्यों इन एडुकेटेड, तो सबसे पहले विल बी सेविंग फैमिली इशू. सी, इसको प्रैक्टिस करने में ही 7 ईयर्स चले जाते, इन बिटवीन शादी बच्चे उसी में वो छूट जाते हैं, तो प्रैक्टिस ही नहीं कर सकेंगे तो कैसे आगे वो जजमेंट पाएंगे. ठीक है, दैट इज द वन इशू. दूसरा है पैट्रिकल माइंड सेट, नॉट इन द हाउस इटसेल्फ बट इवन इन द बार एंड इवन इन द बेंच, वो भी आपको देखने को मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, हॉस्टल एनवायरमेंट बनाया होता है कि जहाँ पे कोई महिला लॉयर होती है तो वो कुछ कमेंट करती है इन जुडिशरी, तो उनसे बहुत बदतमीजी तरीके से, उस तरीके से भी वार्तालाप चलती रहती है. ठीक है, देन यू विल बी फाइंडिंग उसी के चलते ज़्यादा सेक्सिस्ट रिमार्क्स भी आते रहते हैं. लैक ऑफ जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, वी हैव फाइंड ऑलरेडी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत बहुत ख़राब है ना, तो जुडिशियल फीमेल्स के लिए क्या होगी, वहाँ पे बच्चों की फैसिलिटी नहीं होगी, क्रैचेस नहीं होंगे, ना रेस्टरूम्स होंगे, तो उसी के चलते एक बैरियर कॉज कर रहा है. नाउ अगर एक और बैरियर है तो सिलेक्शन. अब ये जो सिलेक्शन जाया जाता है उसमें हमने देखा कितने कम नंबर में होते हैं, उसमें भी सरकार के द्वारा चूज जो किया जाता है वो भी बहुत कम नंबर में, तो उधर रिप्रेजेंटेशन बढ़ाओ. इट हैज़ बीन फाइंड कि जहाँ पे वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है स्कूल कॉलेजेस लॉ के स्पेसिफिकली, तो ऑटोमेटिकली उस एरिया में ज़्यादा फीमेल जुडिशरीज के अंदर है. ठीक है, सो पहला तो वैसा एटमोसफियर बनाओ, रिजर्वेशंस डालो स्कूल कॉलेजेस में कि इतनी सीट्स तो फीमेल्स के लिए होनी ही चाहिए लीगल एजुकेशन में जो कर रहे, जहाँ पे ऑलरेडी हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर बहुत चेंजेस आए. रिमेंबर, छोटे छोटे जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ही फर्स्ट कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो वहाँ पे जो एट्रोसिटीज़ हो रही है उन्हें कंट्रोल करने के लिए अगर वहाँ पे हम वुमेन जुडिशरीज बढ़ाए, अपने आप चीज़ें में बदलाव आएगा. नाउ द क्वेश्चन, पंडित भीमसेन जोशी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन ऑर्गेनाइजिंग द सवाई गंधर्व म्यूजिक फेस्टिवल एज अ होमेज टू हिज गुरु सवाई गंधर्व. ही वॉज कंटेम्पररी ऑफ गंगूबाई हंगल, अ सिंगर ऑफ ख्याल जनरल ऑफ हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक. विच ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सी, दिस टाइम म्यूजिक विल बी इन द न्यूज, तो म्यूजिक के रिलेटेड कुछ भी कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं. आप अपने अपने आंसर उस कमेंट सेक्शन में डालिए, ट्राई कीजिए. आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा, नहीं तो एक बार फिर से देख लो. पंडित भीमसेन जोशी का ये क्वेश्चन है. सी, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है.
हिंदुस्तानी म्यूज़िक हमेशा याद रखना कंपेयर टू कर्नाटक म्यूज़िक के अंदर, हिंदुस्तानी म्यूज़िक के अंदर आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिली है कि आप उसमें वेरिएशंस कर सकते हो. कर्नाटक म्यूज़िक में वेरिएशंस करने की कोई फ्रीडम नहीं, फिक्स है, इतना हमेशा याद रखना. उसी के चलते अलग अलग जॉनर हिंदुस्तानी म्यूज़िक में आपको देखने को मिलेगी. तो वन इज़ दी कंगू ख्याल जॉनर जो है, ठीक है, एकदम आल्प लेके एकदम करके एकदम अच्छे से जो गाने आपने सुने होंगे वो उसी के अंदर आते हैं. सो ये इंस्ट्रूमेंटल जो ऑर्गेनाइज किया जाता है वो सही है. उनके खुद के गुरु सवाई गदर के लिए ये गदर्व म्यूज़िक फेस्टिवल मनाया जाता है. गंगू भाई हंसा हंगल के कंटेम्प्रेरी भी थे और ख्याल जनरल जो जॉनर है ख्याल हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक के उसी के भी पार्ट थे, ठीक है. सो ये आप देख सकते हो भीमसेन जोशी पंडित. नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इन इंडिया नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल रेगुलेट द प्राइज ऑफ ऑल ड्रग्स वेदर ब्रांडेड और जेनरिक, ठीक है. नाउ नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी फिक्स द सीलिंग प्राइज ऑफ बोथ शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द ड्रग प्राइस कंट्रोल अक्टूबर 2013. विच ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये पूछा गया है. अभी न्यूज़ में भी था तो आप देखो. सी द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट कि ब्रांडेड हो या जेनरिक हो दे डिसाइड द प्राइजेस, ठीक है. सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. यहाँ पे सिर्फ शेड्यूल को ही वो सीलिंग करते हैं, नॉन शेड्यूल को वो MRP जो उनका है वो उनको फ्लेक्सिबिलिटी है. हाँ, पर हर साल में 10% से ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते. सो आंसर इज ए. नाउ बाहिनी स्कीम, अभी ये न्यूज़ में क्यों है. सिक्किम सरकार, सिक्किम के जो सी है, यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है टू इंस्टॉल अ वेंडिंग मशीन जहाँ पे सैनिटरी नैपकिन्स मिल सके इन द एरियाज ऑफ सिक्किम, ठीक है. तो एक सरकार के द्वारा, एक गवर्नमेंट के द्वारा इतनी मेजर स्कीम फॉर वुमेन मेंस्ट्रुएशन के लिए, अवेयरनेस के लिए ये लागू की गई है. नाउ बात करते हैं 210 सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी गवर्नमेंट स्कूल्स है वहाँ पर ऐसे वेंडिंग मशीन्स लगाई जाएगी जहाँ पे सैनिटरी नैपकिन्स अवेलेबल हो स्कूल्स के अंदर ही, ठीक है. प्लस 100% फ्री एक्सेस, मतलब फ्री में है, कोई चार्जेस नहीं है. दूसरा इससे क्या होगा, स्कूल के अंदर ये फैसिलिटीज़ है तो जब मेंस्ट्रुएशन टाइम होता है तो कितनी बार फीमेल्स डोंट गो टू स्कूल बिकॉज या तो वहाँ पे सैनिटेशन सही से ना हो, बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग द सैनिटेशन नैपकिन इन द एरिया, वहाँ पे मेडिकल के पास ही ना हो तो उनके पास कहाँ से होगा. तो उसी के चलते डोंट गो इन द स्कूल. तो उसे ड्रॉप आउट जो उसका एक मेजर रीज़न है, एक रीज़न है, नॉट दैट इज़ द ओनली रीज़न, वन रीज़न, तो उसे कर्व करना एंड मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए सोसाइटी में अवेयरनेस लाना, उसके लिए ये मेजर प्रोग्राम का एम है बाहिनी स्कीम, ठीक है. टारगेट्स क्या है, जो स्कूल के टीचर्स है काउंसलर है वो स्कूल में बच्चों को समझाएंगे, फीमेल्स हो मेल हो दोनों को समझाएंगे इस चीज़ के लिए, ठीक है. नाउ विजन क्या है कि बच्चों को जब समझाएंगे तो बच्चे खुद घर पर जाएंगे, घर पर पेरेंट्स से बात करेंगे तो कम्युनिटी में वो जाके डायरेक्टली इस चीज़ को बाहर लेकर आएंगे. ना इंस्टॉलेशन अगर हम नैपकिन्स दे रहे हैं तो वो जो नैपकिन्स हो गए यूज़ करने के बाद ऐसे ही फेंकेंगे तो और कचरा बढ़ जाएगा, तो उसके लिए इंसिनरेशन भी लगाया जाएगा स्कूल की प्रीमाइसिस के अंदर. इंसिनरेशन क्या है, बर्न करना, जला देना कम्प्लीटली, ठीक है. ना एक्सपेरिमेंट बेस्ड पहले ये चला था सुलभ इंटरनेशनल के द्वारा थोड़ी बहुत जगह पे, इट वॉज अ सक्सेस एंड फाइनली गवर्नमेंट अब इसे बजटरी सपोर्ट दे दी है, ठीक है. सिक्किम गवर्नमेंट द फर्स्ट फॉर मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस. कवरेज की बात करें तो जितनी भी गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे इसका कवरेज रहेगा, ऑल गवर्नमेंट स्कूल. तो 18,665 जो लड़कियाँ हैं इन्हें इसका फ़ायदा मिलने वाला है. ना नीड क्यों है, सबसे पहले एक्सेस कराना, बिकॉज सिक्किम यू विल फाइंडिंग हिली एरियाज, तो वहाँ पे कितने ऐसे दूर दूर इलाके हैं, रूरल इलाके हैं जहाँ पे मेडिकल मेडिसिन नॉर्मल नहीं मिल सकते, तो सैनिटरी नैपकिन कहाँ से मिलेगा, तो मेडिकल प्रोविजन के पास ही नहीं होगा तो उनके पास कहाँ से होगा. तो टू प्रोवाइड दिस फैसिलिटी स्कूल्स के अंदर जारी किया है, ठीक है. और इससे क्या होगा, इजीली अवेलेबल स्कूल में भी होगा तो स्कूल में बच्चे ड्रॉप आउट भी नहीं करेंगे, ठीक है. सिक्किम की बात करें तो जो बॉयज़ एंड गर्ल्स का ड्रॉप आउट है वो सिमिलर है टू द नेशनल एवरेज बोथ जेंडर्स, ठीक है. तो इट इज़ बीन फाउंड कि एक रीज़न है, वन ऑफ द रीज़न, नॉट द ओनली रीज़न, वन ऑफ द रीज़न इज ड्रॉप आउट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है. ना
क्वालिटी ऑफ सैनिटरी नैपकिन भी एक वजह है कि नहीं अच्छी मिलती, इसलिए कोई जल्दी से हिचक जाएगा। तो यहाँ तो गवर्नमेंट के द्वारा ही दी जा रही है और प्रॉपर अच्छे से चेक करके, तो गुड क्वालिटी, ठीक है। दूसरा, एक जो इंस्टीट्यूट है जिसके द्वारा ये पहले कर रहा जा रहा था, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाटर एड इंडिया, ठीक है। तो उनकी फाइंडिंग थी, उन्होंने बताया ये आपके वॉश जो है उसे ही यहाँ पे अच्छे से इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। नाउ डूइंग मेनस्ट्रेशन एडोलेसेंट गर्ल्स की 5 to 6 days हर एक महीने की, ठीक है। सो 23% ड्रॉप आउट एक्चुअली मेनस्ट्रेशन इज द रीजन ऑफ नॉट हैविंग प्रॉपर टॉयलेट फैसिलिटीज या प्रोविजन, इसके चलते 23% फीमेल्स या गर्ल चाइल्ड स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाती है। यू विल बी फाइंडिंग 100% जो लोग हैं, देर इज नो डिस्कशन ऑन द प्रोसेस ऑफ मेनस्ट्रेशन, कैसे होता है अवेयरनेस, वो उसकी कोई डिस्कशन ही कोई नहीं करता। दूसरा, 90% आर अनअवेयर कि वॉशिंग मेनस्ट्रेशन क्लोथ कितना इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं करते तो उससे कितनी खतरनाक बीमारियां हो सकती है। 87% वही पुराने कपड़े यूज़ किए जाते हैं तो उससे क्या होगा। देन 86% कंप्लीटली अनप्रिपेयर, वो प्रिपेयर ही नहीं होते, कि बच्चों की बात कर रही हूँ मैं, दे आर नॉट प्रिपेयर्ड कि वॉट इज मेनस्ट्रेशन। देन 79% उसके चलते बहुत कम सेल्फ कॉन्फिडेंस फील करते हैं और डरते हैं 64%, 60% स्कूल नहीं जाते उसी के चक्कर में, ठीक है। एंड 47% मदर है, दे डू नॉट अग्री कि अभी से बता देना, समझा देना उस सब चीज़ों का, ठीक है, उन्हें शर्म आती है इस चीज़ों के लिए। सो यू विल बी फाइंडिंग 6% ने कभी सुना ही नहीं है सैनिटरी नैपकिन्स क्या होता है। सो दिस आर द रीजंस दे हैव गिवन कि हमारे सर्वे से ये पता चला है। ना सिग्निफिकेंस क्या है, अगर ये स्कीम बाहिनी स्कीम लिया जाए तो एक तो है इजी एक्सेसिबल, दूसरा है ड्रॉप आउट अपने आप कम हो जाएगा, सैनिटेशन फैसिलिटी स्वच्छ भारत का मेजर एक मार्जिन है वो उसके थ्रू हो जाएगा, प्लस ये गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है तो मोर अवेयरनेस इसकी होने वाली, बजटरी एलोकेशन है इस स्कीम को, प्लस क्वालिटी ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स भी अवेलेबल होगा, ट्रेनिंग होगा एंड मास अवेयरनेस की ये बात चल रही है। नाउ एक चीज़ बात है, स्कूल के प्रमाइसिस के अंदर ही आंगनवाड़ी सेंटर्स करने की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बता दिया था कि स्कूल के प्रमाइसिस के अंदर आंगनवाड़ी रखो, अलग से कहीं और होता है तो जनरली फीमेल्स जाती नहीं है, पर स्कूल के अंदर होगा तो बच्चे को लेने जाएगी तो फीमेल्स खुद जाएगी, तो आंगनवाड़ी के अंदर ही ये सैनिटरी नैपकिन्स हो गए तो ज़्यादा कनेक्शन होगा और चीज़ों की इंफॉर्मेशन भी बटी जाएगी, ठीक है। ना नेशनल गाइडलाइन भी है मेनस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट के लिए, स्वच्छ भारत का ये कंपोनेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन, ठीक है। वे अहेड क्या है, ये जो स्कीम जो सरकार के द्वारा लाई जा रही है सिक्किम, ये मेजर स्कीम हर एक स्टेट में ऐसी लानी चाहिए जिससे ऑटोमेटिकली यू विल बी फाइंडिंग वन क्वालिटी इन दी सैनिटेशन एंड हाइजीन, उससे कितनी बीमारियाँ रुक सकती है एंड डेथ्स कम हो सकते हैं। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्लोकोमा, ठीक है। ग्लोकोमा इज अ प्रोग्रेसिव एंड डीजेनरेटिव डिजीज ऑफ द ऑप्टिक नर्व लीडिंग टू इररिवर्सिबल ब्लाइंडनेस। It only affect people of old age, particularly those who have any chronic condition or family history. In general, glaucoma cannot be cured, but it can be controlled. So, which of the following statements are correct? आपको बताना है. ग्लोकोमा की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट इटसेल्फ, सेकंड गलत है, ये हर एक एज ग्रुप को अफेक्ट करता है, ठीक है, सिर्फ ओल्ड एज को नहीं। इन जनरल ग्लोकोमा कैन नॉट बी क्योर बट इट कैन बी कंट्रोल, दैट इज ट्रू। सो आंसर इज सी, ठीक है। अर्ली डिटेक्शन हो जाता है तो पता चल जाता है कि इससे क्या आईज पूरी डैमेज हो जाती है और इररिवर्सिबल प्रोसेस, उसका कुछ फिर हो नहीं सकता, ठीक है, बट टाइमली ट्रीटमेंट दे दे तो हो सकता है। अभी क्या है, उसको ऑपरेट करके अंदर से जो लिक्विड है वो ही निकालना पड़ता है, दैट इज दी वन वे, ठीक है, ट्रेबिग्लिनोगॉमी उसको बोला जाता है। नाउ विद रेफरेंस टू ग्रेट बैरियर रीफ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट एक्सटेंड ओवर 14 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड फ्रॉम शैलो एस्टुरीन एरियाज टू डीप ओशनिक वाटर्स, द रीफ इज लोकेटेड इन द कोरल सी ऑफ लक्षद्वीप, इट वॉज डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज एरिया 1981 बिकॉज ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यू हैव टू गिव इन द कमेंट सेक्शन।
सी ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में. तो लक्षद्वीप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सो फर्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली गलत है. ठीक है, सो सेकेंड गलत है तो आपके पास या तो वन रह जाता है या दो वन या थ्री रह जाता है. ठीक है, सो इफ यू सी कि वन तो करेक्ट है भैया, 14 डिग्री लैटिट्यूड शैलो एस्टुरी, ये सही है स्टेटमेंट. और यहाँ पे क्वींसलैंड आता है. ठीक है, अगर क्वींसलैंड होता तो सेकेंड स्टेटमेंट सही होता, थर्ड भी सही है, वर्ल्ड हेरिटेज है 1981 के अंदर. नाउ अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, प्रिविलेज मोशन. बेसिकली वेस्ट बंगाल असेंबली ने एक्सेप्ट किया है प्रिविलेज मोशन जो अगेंस्ट लीडर ऑफ अपोजिशन है ऑन द चार्जेस दैट उन्होंने थ्रेटन किया है 4 MLA को. तो ये प्रिविलेज मोशन क्या है ये समझते हैं. ठीक है, कहाँ पे लिखा गया है प्रिविलेज मोशन, दूसरा है कौन अथॉरिटी है उसको देखने के लिए, अगर स्पीकर चेयरमैन है तो वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, एक एक करके समझते हैं. तो सबसे पहले प्रिविलेज मोशन क्या है, जो आपके पार्लियामेंट के अंदर जो है सारे के सारे हमारे मेंबर्स, ठीक है, उन लोगों को काम करने के लिए हमें एक प्रिविलेज देना पड़ेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया जाता है, उनकी डिग्निटी रहे, वो काम भी सही तरीके से कर सके. ठीक है, सो इट इज बीन सेड, मैंने क्या बताया, पार्लियामेंट प्रिविलेजेस इज सम ऑफ सर्टेन राइट जो इंजॉय करते हैं हर एक हाउस कलेक्टिवली एंड बाय मेंबर ऑफ ईच हाउस इंडिविजुअली, दो तरीके से, कलेक्टिवली भी एंड इंडिविजुअली. उसके बिना वो उनका फंक्शन नहीं कर सकते और एज ए पार्लियामेंट बॉडी चल नहीं सकती. ठीक है, उसे बोलते हैं पार्लियामेंट प्रिविलेजेस. अब अगर कोई MP फॉर एग्जाम्पल इस प्रिविलेज को ब्रिज कर देता है, उन्होंने या उसने किया, या तो कोई आउटसाइडर भी ब्रिज कर सकता है पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस को, कुछ अपशब्द बोल दिया हो, ठीक है, या तो MP खुद बोल रहा हो, तो फिर अगर दूसरा MP उसके लिए ब्रिज ऑफ प्रिविलेज मोशन लाए तो वो ला सकता है. ठीक है, इवन खुद हाउस भी कंडेम कर सकता है. कैसे करता है वो हम सब देखते हैं. अब बात करते हैं दो तरीके के, कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल, जो 105 और 6 आर्टिकल देता है. कलेक्टिव की बात करें तो यहाँ पे पूरा हाउस की बात कर रहे हैं, या कलेक्टिव उनका प्रिंसिपल है उनके पास प्रिविलेजेस इसके अंदर, कि जहाँ पे उन्हें खुद से एक सीक्रेट मीटिंग करनी है तो वो कर सकते हैं, किसी बाहरी लोगों को बाहर निकाल सकते हैं. ठीक है, कोई अरेस्ट हो जाए तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन खुद से विटनेसेस कर सकते हैं, किसी को वो भी दे सकते हैं कि ये आप प्रिंट नहीं करोगे. सो वो कलेक्टिव उनकी है सारी चीज़ें, इवन कोर्ट उनके काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा. ठीक है, अभी बात करते हैं इंडिविजुअल प्रिविलेजेस के अंदर. तो इंडिविजुअल प्रिविलेजेस के अंदर अगर सेशन के अंदर है तो 40 दिन पहले 40 दिन के बाद तब तक अरेस्ट नहीं हो सकते, वो कुछ भी बोल रहे उसके लिए उनकी स्पीच के लिए फ्रीडम है, उसके लिए आप कोई कोर्ट में नहीं जा सकते, कोई प्रोसीडिंग नहीं हो सकती. हाँ, जब पार्लियामेंट सेशन में है तो वो जूरी सर्विसेज से एग्जेंट हो सकते हैं, एविडेंस जाने के लिए उनको विटनेस बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन भी ये उनके प्रिविलेजेस है. ठीक है, ये याद रखना. अब इसमें से कोई भी ब्रीच करता है, बाहर वाला या खुद का मेंबर, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन पास हो सकता है. अब ये कहाँ लिखा गया है, ये लिखा गया है रूल बुक के अंदर, लोकसभा की एंड राज्यसभा की, Chapter 20 and Chapter 16. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल MP मे रेज अ क्वेश्चन ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, अगर किसी ने किया है तो उसके लिए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज रेज कर सकता है, पर वो क्या है 10 बजे से पहले उसको जो भी स्पीकर या चेयरपर्सन है उसको रेज करके आप दे सकते हो, उसके बाद नहीं. ठीक है, अगर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कुड बी ऑफ अनदर MP तो क्या होगा, कमिटी और द हाउस, हावेवर रूल मैंडेट की नोटिस दे देनी पड़ेगी जो इंसिडेंट अभी हुआ है, बहुत पहले का आप उठा के नहीं ला सकते. तो इतना समझो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि सबसे पहले किसी और व्यक्ति ने ब्रिज किया है, या तो हाउस ने किया या तो कमिटी ने किया है, तो आप ला सकते हो. ठीक है, 10 बजे से पहले हमें बता दो. दूसरी चीज, हाल के मुद्दे पे होनी चाहिए, बहुत पुराने मुद्दे पे नहीं. व्हाट इज द अथॉरिटी ऑफ स्पीकर चेयरपर्सन विस अ प्रिविलेज मोशन, तो याद रखो जो ये प्रिविलेज मोशन कोई भी लाता है वो किसको सबसे पहले देता है, स्पीकर या चेयरपर्सन अगर राज्यसभा, तो दे आर दी फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंट्रैक्शन. अभी वो खुद से डिस्क्रिशन से डिसाइड कर सकते कि उन्हें ये एडमिट कर लेना मोशन या नहीं करना, या खुद से जजमेंट दे देना, या तो कमिटी में देना है, प्रिविलेज कमिटी. ठीक है, दे विल बी दी फर्स्ट पर्सन. अभी फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला कि हम एडमिट कर रहे हैं, तो सामने वाला जो व्यक्ति है जिसके ऊपर चार्जेस है उसे एक शॉर्ट स्टेटमेंट देने का मौका भी देते हैं. अगर उन्होंने डिसाइड किया कि हम कमिटी को दे देते हैं, पार्लियामेंट की कमिटी है प्रिविलेज कमेटी, वो देखिए, तो वो कमेटी खुद इनके द्वारा नॉमिनेटेडली बनाई जाती है. अगर लोकसभा में है तो 15 जने, राज्यसभा में है 10 जने, स्पीकर एंड चेयरमैन नॉमिनेट करते हैं. ठीक है, वही कमेटी बैठ के काम करेगी, देखेगी सब कुछ एंड फाइनली रिपोर्ट देगी. अब ये रिपोर्ट पे हाउस के ऊपर बोल दिया जाएगा हाफ एन आवर का डिस्कशन, या तो डायरेक्टली उसे ले लिया जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से उस पर वाद विवाद चलता है. अगर लगता है किसी ने किया है तो उसको पनिशमेंट दी जाती है, तो हाउस से भी एक्सपेल कर दिया जाता है, अलग अलग जेल भी डाल सकते हैं, सब सारी पनिशमेंट अलग अलग टाइप की
दी गई है प्रिविलेज मोशन में, ठीक है ना. हैव प्रिविलेज मोशन बीन पास इन पार्लियामेंट अर्लियर? यस, पहले भी हुआ है इंदिरा गांधी केस, ठीक है, बिकॉज होम मिनिस्टर चरण सिंह ने ही ये मोशन अगेन उनके खिलाफ दिया था जब वो इलेक्ट होके आई थी उस वक्त और उनको एक्सपेल कर लिया था, ठीक है. दूसरा था बीजेपी एमपी सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने कुछ अपशब्द बोल दिए थे तो उन्हें भी प्रिविलेज मोशन के बेसिस पे एक्सपेल कर दिया गया था. देन बाहर का एक इंसान आर के करंजिया, ठीक है, उनका ब्रिज था कि उन्होंने जेपी कृपलानी के लिए कुछ अपशब्द बोल दिए थे तो उन्हें रिप्रेम कर दिया था कि उनकी वो नहीं हो गए गैलरी में और उन्हें एनल कर दिया था. तो बाहर के लोगों को भी कर सकते, बीच में कंगना रनौत, अर्नब गोस्वामी, उनके ऊपर भी प्रिविलेज मोशंस खड़े करे थे, ठीक है ना. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें तो आर्टिकल 105 देता है, ठीक है, और स्टेट में 194. सो एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि अभी तक प्रिविलेज मोशन हम क्या जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के चल रहे हैं उसी के बेसिस पे हम चला रहे हैं, एक प्रॉपर वे में कोडिफाई नहीं किया गया. 3, 4, 5, 6 सोर्सेज हैं जिसके बेसिस पे हम प्रिविलेज मोशन चला. अगर प्रॉपर कोडिफाई हो तो पता चले कि किधर लगाना है किधर नहीं लगाना, क्योंकि कितनी बार फ्रीडम ऑफ स्पीच को ये प्रिविलेज मोशन रोक दिए जाते हैं. कितनी बार आपने देखा होगा नीचे कर्नाटका तमिलनाडु स्टेट्स कितने जो जर्नलिस्ट है उनके ऊपर लगा दिया जाता है प्रिविलेज मोशन. नाउ प्रीलिम फोकस की बात करें, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, बेसिकली गांधीनगर के अंदर एक नई बिल्डिंग भी बना दी गई है. जो पुरानी यूनिवर्सिटी थी रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी 2010 में, उसको एक राष्ट्रीय का लेवल, नेशनल इंपॉर्टेंस लेवल दे दिया गया है. इससे चलते क्या होगा, एक अच्छे क्वालिटी ट्रेन मैन पावर, पुलिस, क्रिमिनल जस्टिस उस सब में आएंगे, फॉरेंसिक. तो ये यूनिवर्सिटी हर एक डायमेंशन के अंदर पढ़ाने वाली है, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस रहने वाली है, ठीक है. यहाँ पे साइबर हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, उन सब चीज क्षेत्रों में पढ़ाई होने वाली है. देन यू विल बी सीइंग वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम. ये यूनियन गवर्नमेंट का प्लान है टू ओपन अ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम. जो भी सारी स्टेट्स है जो चाइना से बॉर्डर कर रहे हैं उस एरिया में टूरिज्म बढ़ाना, ठीक है, और वहाँ पे थोड़ा बहुत हो, उसी के लिए ये प्रोग्राम बजट में अनाउंस किया. तो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा, ठीक है, बॉर्डरिंग विलेज को वहाँ पे प्रॉपरली इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा कि वो डेवलपमेंट गेन से जो लेफ्ट आउट हो चुके हैं, सच विलेजेस जो चाइना को बॉर्डर कर रही हो इस प्रोग्राम का पार्ट होगी. अब इस प्रोग्राम के अंदर क्या दिया है, यहाँ पे हाउसिंग होगी, टूरिस्ट सेंटर्स होंगे, रोड कनेक्टिविटी होगी, सब कुछ होगा, एजुकेशन चैनल एंड एवरीथिंग. सो उनकी एक लाइवलीहुड जनरेशन प्रोग्राम होगी. अब इसी की वजह से टूरिज्म भी आएगा तो उनकी एक चीज़ चलेगी. तो जो बॉर्डर एरियाज है चाइना को टच करते उन गाँवों में डेवलपमेंट की बातें इस स्कीम्स के थ्रू होने वाली है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम. नाउ चिल्का लेक, चिल्का लेक अगेन इन न्यूज़, सरकार के द्वारा बोल दिया है कि इस टाइम के अंदर 6 महीने हर सालाना इस टाइम के अंदर फिशिंग हम बंद कर देंगे बिकॉज माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं यहाँ पे, इसलिए तो उन्हें डिस्टर्ब ना हो उसके लिए फिशिंग बैन करने की बात हो रही है. हम चिल्का लेक की बात करें, यू कैन सी उड़ीसा के गंजम को उस थोड़े एरियाज के पास दरियो रिवर से ही चिल्का लेक बनता है, ये ब्रैकिश वाटर है. सो यू विल सी दया रिवर, बेसिकली चिल्का लेक एक सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर है लगून इन द वर्ल्ड आफ्टर न्यू कैलेडियन बैरियर रीफ. एंड अगर बात करें तो इंडिया में लार्जेस्ट कोस्टल लगून है, उड़ीसा में है, पूरी कुर्दन गंजम डिस्ट्रिक्ट के पास. 1981 इसको रामसर साइट के अंदर हमने कन्वेंशन में डाला गया था और अभी वो निकल भी गया है. टेंटेटिव यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है चिल्का लेक. यू कैन सी दिस इज द चिल्का लेक. 160 स्पीसीज माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे आते हैं दूर दूर से, अरल से, लेक बाइकाल, कैप्शन, इतनी सारी जगह से यहाँ पर आते हैं और उनके कंजर्वेशन के लिए ये बैन की बातें की है. नाउ थ्रेड क्या है, तो बेसिकली थ्रेड इकोसिस्टम का ये है कि सेडिमेंट्स रिवर्स के कुछ ज़्यादा आ रहे हैं, सिल्टेशन हो रहा है, प्लस फिशिंग ज़्यादा हो रही है, चॉकिंग हो रहा है, डिक्रीज इन सैलिनिटी बिकॉज ब्रैकिश है ये, और फ्रेश वाटर की स्पीसीज आ रही है, एडवर्सली अफेक्ट कर रही है बायोडाइवर्सिटी को, और फाइट हो रहा है फिशरमैन, नॉन फिशरमैन कम्युनिटी और फिशिंग राइट. तो ये सारे वजह से चिल्का लेक बहुत ही प्रॉब्लम से फंसी हुई है और उनका इकोसिस्टम थ्रेट हो रहा है. नाउ एक धर्म गार्डियन, सॉरी एक्सरसाइज धर्म गार्डियन, बेसिकली जापान एंड हमारे आर्मी ऑफिसर के बीच में अभी चल रहा है, इंडिया के ही अंदर चल रहा है और ये एक्सरसाइज फाइनली शुरू हुई. इस एक्सरसाइज का मेजर फंक्शन क्या होता है, दोनों के बीच में कल्चर एक्सचेंज होगे, दे विल बी आर डूइंग ह्यूमिटेरियन, क्या कैसे टेररिस्ट को करना, ये सारी चीज़ें दे विल बी लर्निंग. तो ये अभी बेलगाम के अंदर प्रैक्टिस चल रही है. सो दिस इज इट, सो वी आर कंक्लूडिंग आवर सेशन. आपका कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू.